All right, are we visible and audible to everybody? Tell me in the chat box, please. क्योंकि आपके पास माइक्स तो आज है नहीं, आज माइक्स आपसे ले लिए गए हैं, बिकॉज हमने आज यूपी जुडिशरी के 9 लॉज कवर करने हैं जो सबके सर का दर्द बने हुए हैं, एंड थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड वो करने के लिए आई थिंक हमें माइक्स आपसे लेने पड़ेंगे, एंड सो नो माइक्स विल बी यूज्ड इन द सेशन. चैट पे ऑब्वियसली वी कैन एड्रेस छोटे मोटे क्वेश्चंस, बट आई थिंक उतना टाइम मिलेगा भी नहीं हमें. सो ऑलराइट, सो द एजेंडा दैट वी हैव फॉर टुडे इज यूपी जुडिशरी में बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो चलो हम लोगों ने कर ही ले हैं, बट 9 लॉज जो आए हैं उसमें से कई सारे लॉज ऐसे हैं जो नए हैं सब लोगों के लिए, ठीक है. सो माई प्लान एंड माई एम वुड बी कि मैं जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं इन एक्ट्स में से, छोटे छोटे एमसीक्यूज जो हो सकते हैं वो भी निकाल के आपके सामने रख दूंगा. मैंने भी पहली बार किया है, आप भी पहली बार कर रहे हो, एक बार बस ये दिख जाए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. तो आई थिंक काफी कुछ कवर हो जाएगा एंड विल बी एबल टू डू सम जस्टिस टू द क्वेश्चन दैट अपियर इन दी क्वेश्चन पेपर. मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन से ये मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, या मुझे लगता है ये आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा. आई नॉट डू दैट. एक एक लाइन मैंने पढ़ ली है, एक एक लाइन पे मैंने मार्क कर लिया है कहाँ कहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, एंड जितना ज्यादा अंदर घुस के मैं कर सकता था एक्ट के, मैंने हर एक एक्ट के अंदर घुस के किया है, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू कीप अप विद दैट प्लान एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. सो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, मेरे हाथ में पहली बुक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आई है. सो वील स्टार्ट विद दैट. ये एक छोटा सा नन्ना सा मैंने चार्ट बनाया है अपने अपने पढ़ने के लिए भी और आप लोगों के समझने के लिए भी, जिसमें मैंने बेसिकली क्या लिख दिया है कि एक तो कौन सा एक्ट है, कौन से ईयर का है, क्योंकि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं ना इनको हम छोड़ जाते हैं, और इन्हीं में से जब क्वेश्चन बनते हैं तो बड़ी इरिटेशन होती है कि यार क्यों नहीं देखा, मगर ये सब देखने में टाइम बहुत लगता है और मेहनत की चीज है थोड़ी सी. सो आई हैव लिस्टेड आउट कि कौन कौन सी एक्ट्स हैं, कौन कौन से ईयर्स में आई हैं, उसके बाद एक्ट नंबर कौन सा है, ये आ जाता है कभी कभी क्योंकि भैया यूपी जुडिशरी है तो अजीब अजीब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है. एंड जीके वाले पार्ट में आ रही है तो जीके को लेकर तो वैसे ही थोड़े से ये भावुक रहते हैं, तो उस हिसाब से कुछ भी आ सकता है. सो एक्ट नंबर क्या क्या है वो डाल दिया है, असेंट कब मिली, एनफोर्स कब हुए, कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है कि भाई कितने सेक्शन हैं ये बता दो, ठीक है. और उसके बाद नीचे मैंने सारे ना पनिशमेंट्स इकट्ठे कर दिए एक जगह पे, क्योंकि पनिशमेंट्स हमारे काफी वॉश वॉश हो रहे हैं इनके अंदर. आईपीसी और बाकी लॉज जो हमारे पास है उसको तो चलो हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, 2-1 साल से पढ़ ही रहे हैं तो वो रट गए हैं कई सारे हमें उसकी जो पनिशमेंट्स वगैरह है, मगर इनका अभी रट्टा नहीं पड़ा है और सब लोगों ने आई थिंक ये लास्ट के दिनों के लिए रखा हुआ होगा, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, कंफ्यूजन थोड़ी सी होनी होनी है, ठीक है. सो आई हैव मेड दीज पनिशमेंट्स का ग्रुप ऑल्सो एंड वील सी एक एक करके क्या क्या है. सो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट. ये है आपकी सीनियर सिटीजन एक्ट, एक्ट आई है, इट इज एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007 पे सीनियर सिटीजन बनते हैं उसको उल्टा कर दो 56. असेंट मिली है 29 दिसंबर को और एनफोर्स भी 29 दिसंबर को ही हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, बड़ों के आशीर्वाद से. इसमें हमें दो डेट्स याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. सो 29 दिसंबर 2009 ये याद रखना बस कि एनफोर्स 2 साल बाद हुआ है, उसमें और कोई एनफोर्समेंट की डेट आपको मिलेगी नहीं. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. ये 7 भी हो सकता है, वैसे हो सकता है मेरी राइटिंग समझ में आ रही है. ओके, चैप्टर्स इसके अंदर 7 है और सेक्शन इसके अंदर 32 है, ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं इसमें पनिशमेंट किस किस तरह की है. सो सेक्शन 24 में एक पनिशमेंट दी हुई है, एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट. अगर आप सीनियर सिटीजन जिनके आप केयर टेकर हो या उनके आप रिलेटिव हो, आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है और आप उनको अबैंडन करके चले जाते हो, और अबैंडन के साथ में एक वर्ड है होली अबैंडन, ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है होली अबैंडन अगर आपने पूरी तरह छोड़ दिया. और यही सेम भाषा आपको पता है आईपीसी में भी मिलेगी एक सेक्शन में, मुझे चैट में बताओ कौन सा सेक्शन है वो जहां पे आपको ये सेम भाषा देखने को मिलती है. एंड ये भी बताना कि वहां पे जिसके बारे में बात हो रही है उसकी कितनी एज दी हुई है, कितने एज का इंसान की अबैंडनमेंट हो रही है वहां पे, ओके. और हो सके तो मुझे उसकी इंप्रिजनमेंट भी बताना, ओके. सो सेक्शन 24 में बताया गया कि अगर आप एक्सपोजर या अबैंडनमेंट कर देते हो तो आपको अप टू थ्री मंथ्स जो कि बहुत कम पनिशमेंट है, अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 5,000 रुपीज और बोथ, ये मिलेगा. उसके अलावा क्योंकि सिविल एक्ट है इसमें ज्यादा पनिशमेंट तो है नहीं, सेक्शन 13 में एक काइंड ऑफ पनिशमेंट या दुविधा टाइप की, मान लो जिसने पैसे देने हैं उसको डिपॉजिट करने के लिए बोला जा सकता है एंटायर अमाउंट. एक तो एंटायर अमाउंट इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड कितने दिनों में, विद इन 30 डेज, ओके. सो एंटायर अमाउंट 30 डेज. एंड सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि जो मेंटेनेंस है उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है, जो अमाउंट देना है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है, एंड दैट इंटरेस्ट कैन वेरी फ्रॉम 5% to 18%. अब मुझे फटाफट से कोई ना कोई ये बताओ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वो कितने इंटरेस्ट की बात हो रही है. वहां पे एक ही इंटरेस्ट है, जब जब आ जाए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कि इंटरेस्ट कितना लगता है एंड ऑल दैट, तो वहां पे एक ही तरह का इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक तो मुझे वो बताओ. और सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 ऑफ किसका, सीपीसी का,
सेक्शन 34 जो इंटरेस्ट की बात करता है, ये बताओ वहां पे इंटरेस्ट कितना कितना दिया हुआ है एक बार फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताना शुरू करो। ये आप मेरे को बताते हो, तब तक मैं अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ, द पीडीएफ दैट आई एम गोना यूज टू राइट ऑन, एंड देन वी मूव अहेड। ओके, आई होप स्क्रीन चेंज हो गई है, दूसरी स्क्रीन दिखाई देगी, आईपीसी रिविजन दिखाई दे रहा होगा, इट्स नॉट आईपीसी रिविजन। चलो हाँ, ये अबैंडनमेंट वाला तो सही कह रहे हो, अबैंडनमेंट वाला बिल्कुल सही बोल रहे हो मिस्टर श्री कुमार, श्री कुंवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो अबैंडनमेंट के लिए 317 आईपीसी में अपराध दिया गया है, बच्चे 12 साल से नीचे जो होते हैं उनको अगर आप होल्ली अबैंडन करते हो, होल्ली अबैंडन करते हो और उस वजह से कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगती है, एंड इसमें आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर भी लग सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन में या एक्सेप्शन में वो चेक कर लेना, ठीक है। सो 317, ऑलराइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, दो लोगों की बात हो रही है, एक तो पेरेंट्स की, पेरेंट्स आपके चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, ठीक है, तो एक एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन हो तभी मेंटेनेंस मिलेगी, नहीं, पेरेंट्स को तो देनी ही देनी है। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है वो चाइल्डलेस लोग जो है ना उनके बारे में बात हो रही है, अगर कोई चाइल्डलेस रिलेटिव है आपका जिसकी आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं या जो आपको प्रॉपर्टी में रहने दे रहा है, आपने पोजेशन लिया हुआ उसकी प्रॉपर्टी का, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इन दो लोगों के बारे में इसमें बात होती है, ठीक है। अगर आप इसके प्रीएम्बल में आएंगे तो प्रीएम्बल में आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड जो है मोर इफेक्टिव प्रोविजन, अगर वो आपसे पूछ लेगी प्रोविजन प्रीएम्बल क्या ऑब्जेक्ट लेके आता है तो इट कम्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मोर इफेक्टिव प्रोविजन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले से भी प्रोविजन है, माँ बाप की मेंटेनेंस वगैरह के लिए 125 वगैरह भी दिखता है हमें, मगर उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए ये आया, क्योंकि देखा जा रहा था कि ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही हैं, यही लिखा हुआ है इसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, अपनी कहानी नहीं बना रहा हूँ, कि ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं और उस वजह से इन लोगों को निग्लेक्ट किया जा रहा है, बड़े बूढ़ों को निग्लेक्ट किया जा रहा है, एंड दे आर बी ये ओल्ड एज होम्स वगैरह में मिल रहे हैं और उनको संसाधन वगैरह नहीं है, विच इज अ सोशल प्रॉब्लम, अ बिग सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। सो मोर इफेक्टिव प्रोविजन ये लिखा हुआ है प्रीएम्बल के अंदर, फॉर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस गारंटीड एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू। तो ये प्रीएम्बल में से हमें एक क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बिल आया था उसकी प्रोपोजिशन क्या थी, उसने प्रपोज क्या किया था, एक ये देखना है हमें कि बिल ने क्या प्रपोज किया था, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो चार ऑप्शन दे देंगे, एक गलत होगा, तीन पूछेंगे कौन से सही है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया है, भाई प्रपोजिशन ऐसी है कि नीड बेस्ड मेंटेनेंस देनी है, एक तो नीड बेस्ड मेंटेनेंस, ओके, उनकी नीड के हिसाब से मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना, और इसके आगे ना सेक्शंस भी लिख लेना, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9, इनमें इनको डील भी किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रोपोजिशन क्या है, दूसरी चीज क्या देनी है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, और ये बेटर मेडिकल फैसिलिटीज भी हमको देखने को मिल जाएगी, कहां पे मिलेगी, सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 इस एक्ट का। और अगला वो बोलता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ सूटेबल मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ओल्डर पर्संस, ठीक है, ओल्डर पर्संस की लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन। सो ये प्रोटेक्शन वाला क्लॉज का मिलेगा, ये बड़ा छुपा हुआ सा क्लॉज है, इसको भी एक बार आप चेक करना, रीड कर लेना, कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाएगी ये अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट, कहां पे, सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 में, और लास्ट में सेटिंग अप ऑफ ओल्ड एज होम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो लास्ट वाला क्या है, ओल्ड एज होम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना, कहां पे, एवरी डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है। और इसमें आगे जाके एक सेक्शन में आपको ये भी दिखाई देगा कि कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है कि इन ओल्ड एज होम्स की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, 150 सीनियर सिटीजन आ जाए जिसके अंदर, कितनी कैपेसिटी वाले एटलीस्ट बनाए जाए रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। और ये आपको देखने को कहां पे मिलेगा, ओल्ड एज होम्स के सेटअप करने का प्रोविजन, ये है सेक्शन 19 में। तो ये दो चार चीजें तो पहले ही यहीं पे याद कर लेना, मेंटेनेंस कहां पे है, 4, 5, 9, ठीक है, 5 में एप्लीकेशन लगाते हैं, 9 में बाकी सारी चीजें होती हैं, आगे ऑल्टरेशन वगैरह के प्रोविजन वगैरह भी है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको सेक्शन 20 में देखने को मिलेंगी, प्रोटेक्शन आपको 22 के 2 में देखने को मिलेगी, और ओल्ड एज होम्स का सेटअप जो हो रहा है वो हो रहा है सेक्शन 19 में। एंड यस, सेक्शन 34 सीपीसी में 6% का इंटरेस्ट होता है, और उसमें स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको सूट से पहले वाले स्टेज में कितना मिल सकता है, सूट की पेंडेंसी में, और सूट के बाद कितना मिल सकता है, और जब कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी तो कितना मिल सकता है, ठीक है। 6% आंसर आपका बिल्कुल सही है, उसके अलावा ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट से ही चलता है, एंड मैक्सिमम शायद 18% तक जा सकते हैं, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट, पहले पेज पे तो कुछ नहीं है, अगले पेज पे अगर आप सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 देखोगे, यहाँ पे एक चीज दिखाई देती है, दैट दिस सेक्शन, दिस एक्ट अप्लाइज ऑल्सो टू द सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये भी ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, सो जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए भी ये एक्ट है, उनको भी कवर करती है। ऑलराइट, ओके,
उसके बाद अगले पे आते हैं सेक्शन नंबर टू पे, जिसमें हमें डेफिनेशंस दी गई हैं, और डेफिनेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसमें डेफिनेशन में से ही एक आध क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस रिलेटेड है और बहुत ज्यादा यूज है एक्ट के अंदर। तो पहली है ए टू ए जो है चिल्ड्रन, ठीक है, पहली है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को प्रायोरिटी पे रखते हैं माँ बाप, ऐसे इस तरह से थोड़ा याद कर सकते हैं। एंड उसके अंदर ये सन डॉटर तो हमें याद रहेगा, बट हमें याद क्या रखना है कि ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर भी आएगा भाई, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, इसमें एमसीक्यू बन सकता है एक। और उसके बाद इट डज नॉट इंक्लूड माइनर, डज नॉट इंक्लूड माइनर, इस पे भी बन सकता है कि माइनर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। ऑल राइट, क्यों माइनर क्यों नहीं आएगा भाई, माइनर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि माइनर से क्या मांगोगे यार, बच्चे कमा थोड़ी रहे होते हैं। सो माइनर्स नहीं आएंगे, बट ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट जो बच्चे हैं वही आएंगे, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर से भी मांगी जा सकती है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद ना एक बार डी पे आ जाओ, चिल्ड्रन देख लिए तो एक बार पेरेंट्स देख लो, चिल्ड्रन देख लिए तो एक बार पेरेंट्स देख लो टू डी पे। और डी में वो कहता है पेरेंट्स में फादर और मदर तो आएंगे ही आएंगे, ये तो हमें याद रहेगा, मगर इसमें ध्यान रखना है कि वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये भी हमें याद रहेगा। एडॉप्टिव भी चलो एक बार को हम तुक्का मारने को ये सोच लेंगे कि यार एडॉप्टिव भी हो सकते हैं, मगर अगर उन्होंने पूछ लिया कि भैया स्टेप फादर एंड स्टेप मदर आते हैं नहीं, तो हमें लगाना है यस आते हैं। टू डी में स्टेप फादर और स्टेप मदर भी दिया गया हुआ है, एंड उसी के साथ उसी के आगे लिखता है वेदर और नॉट द फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए होना जरूरी नहीं है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे सीनियर सिटीजन माने 65 साल से 60 ईयर्स से ऊपर होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, 60 ईयर्स से ऊपर होने की पेरेंट्स को जरूरत नहीं है, ओके, पेरेंट्स की डेफिनेशन में। और ये 60 ईयर्स वाला कहां पे लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन, 2H, 2H बताता है कि सीनियर सिटीजन है कौन, और सीनियर सिटीजन है कौन, एनी पर्सन बीइंग अ पहली चीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और उसके बाद दे शुड बी 60 ईयर्स और अबव, 60 ईयर्स और अबव, तो मतलब 60 साल वाला भी इंक्लूड होगा, इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है कि 60 साल वाला सीनियर सिटीजन में आएगा या नहीं, तो 60 साल वाला भी आएगा और उससे ऊपर वाले भी आएंगे, 59 वाला नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं टू बी को, टू बी है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में फूड क्लोथिंग रेजिडेंस, रोटी कपड़ा मकान तो हमें याद रहता है, ठीक है, फूड क्लोथिंग रेजिडेंस इतना तो रहता है, मगर इसके अलावा क्या दिया हुआ है जो हमें याद रखना है, मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये हमारा प्रपोज भी किया हुआ है इस बिल में, प्रपोज भी हुआ है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, और कहां पे हुई है, सेक्शन 20 में। तो 2B के साथ आप सेक्शन 20 भी लिख सकते हैं कि मेडिकल अटेंशन भी मेंटेनेंस के अंदर आती है, ओके। माइनर तो हम सब जानते हैं, 2C माइनर, ठीक है, 2C माइनर, एंड माइनर क्या होता है, जिसने एज ऑफ मेजोरिटी नहीं ली है अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी एक्ट 1875, इसमें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मगर वो अगर पूछे कि मेजोरिटी इसमें अगर हो सकता है पूछ ले माइनर कौन है, 18 साल से नीचे 18 साल से ऊपर, या वो जो 1875 की एक्ट में मेजोरिटी हासिल कर चुका है, या वो जिसको जिसने प्यूबर्टी हिट कर दी है, तो आपको 1875 वाला ही लगाना है, 18 वाला नहीं लगाना, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है 2F जो बात करता है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, भाई कोई आके बोले कि नहीं सर उनकी तो ये यू नो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो थी नहीं जो मुझे मिली है, ये तो एंसेस्ट्रल थी, वो तो मुझे मिलनी थी, या ऐसा कुछ भी लॉजिक लगाए, नहीं। सो कोई भी प्रॉपर्टी आपको सीनियर सिटीजन से आपके पेरेंट्स से मिल रही है वो प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी, ठीक है, एंड यू विल बी लायबल। सो प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, पहले बोल देता है एनी काइंड, और एनी काइंड के बाद क्या बोलता है, मूवेबल और इमूवेबल, एक तो ये हो सकती है मूवेबल इमूवेबल, चलो ये तो हमें याद रहेगी, फिर एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड, चलो ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, छू सकने वाली और ना छुई जा सकने वाली इनटैंजिबल, तो ये भी आएंगी। और उसके बाद साथ ही में बोलता है एंड इट इंक्लूड्स राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, कोई भी इनमें राइट या इंटरेस्ट है वो भी आएगा, ठीक है, राइट और इंटरेस्ट भी आएगा। तो राइट और इंटरेस्ट, कई तरह के राइट्स एंड इंटरेस्ट होते हैं, राइट ऑफ एंजॉयमेंट जैसे लीज में होता है, तो इस तरह से कोई राइट एंड इंटरेस्ट वगैरह भी है अगर उनका, तो वो भी प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपर डुपर इंपॉर्टेंट 2G, ठीक है, 2G। अब जी में आते हैं रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को हम जी जी करके बुलाते हैं, जी तो कोड वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। सो मींस एनी लीगल एयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, अब हमें रिलेटिव्स की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्यों, देखो भाई जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो चिल्ड्रन है वो दे देंगे मेंटेनेंस, मगर जो सीनियर सिटीजन है उनको मेंटेनेंस, जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है जिनके चिल्ड्रन है उनको तो चिल्ड्रन से मिल रही है, मगर जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, चाइल्डलेस है और सीनियर हो गए हैं, उन लोगों को किससे मिलेगी, बच्चे तो है नहीं, तो रिलेटिव से मिलेगी। और वो रिलेटिव कहाँ लिखे हुए, 2G में, और वो रिलेटिव कौन से हैं, वो रिलेटिव हैं एक तो जो माइनर नहीं है, एंड दोज हु आर इन पोजेशन, या तो वो पोजेशन में है इसकी प्रॉपर्टी के, अपने ताऊजी के साथ रहते हो, ठीक है, या फिर यू वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, या फिर आपको उनकी
इनहेरिटेंस में उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर ये दो चीजों में से कोई एक चीज है तो फिर आप उन रिलेटिव में आओगे जो उनको मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये 2G से डिराइव हो जाता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारा ट्रिब्यूनल है जे में, बस इसमें तो हल्का सा ये देख लेना, वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल की बात हुई है वो कौन सा ट्रिब्यूनल है, ठीक है। सुबह ट्रिब्यूनल है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, हाईली अनलाइकली बट स्टिल टू कवर एवरीथिंग। मैंने हर एक चीज, हर एक वर्ड लिया है भाई, किसी को भी कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट गई है, ठीक है। इसी बात पर मुझे एक बार ये बता दो कि ट्रिब्यूनल्स को क्या कोर्ट में गिना जाता है या नहीं, चैट में बताना। ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट माना जाता है या नहीं माना जाता है, ओके। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ट्रिब्यूनल्स आर इंक्लूडेड इन कोर्ट्स नॉट। अच्छा, ऑल्सो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ध्यान से सुनना, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन कौन सा एविडेंस एक्ट में, मुझे ये भी बताओ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर इट। माइक आप यूज नहीं कर सकते हो, चैट में ही आंसर देने। ऑलराइट, चलो। उसके बाद के में वेलफेयर है, ठीक है। के माने ओके, ओके माने वेलफेयर, ओके, ऑल इज वेल, वेलफेयर। चलो, उसके बाद सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 में तो हमें बस एक ही चीज है, बस सेक्शन का नाम याद होना चाहिए कि ओवरराइडिंग इफेक्ट कहाँ पे दिया गया है। ओवरराइडिंग इफेक्ट, मेरी राइटिंग आई नो बहुत ही गंदी है, मगर मेरे इसको बस सुनते रहो, सुनते सुनते अपनी बुक साथ में खोल के रखो। सो ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है, और इसमें कुछ भी जानने लायक है नहीं, बस यही बोल रहा है कि ये ऑब्वियसली इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा किसी और चीज पे। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 आ गया, चैप्टर नंबर 1 में कितने थे, 1 से लेकर 3 तक, ये याद रखना। अब चैप्टर नंबर 2 आ गया, जो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 4 से, और सेक्शन नंबर 4 में वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस। तो 4 किस चीज की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस। मैंने आपको पीछे जब पर्पसेस बताए थे, प्रपोजल्स बताए थे, उसमें भी बताया था कि 4, 5 और 9, ये तीन है मेंटेनेंस के। तो पहला 4 आ गया है, 4 है मेंटेनेंस, किस किस की, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन दोनों की। अगर वो पूछ ले 4 किससे डील करता है, सिर्फ पेरेंट्स से, सिर्फ सीनियर सिटीजन से, बोथ से या नाइदर से, तो आपको क्या लगाना है, बोथ, ठीक है, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। सो इसमें वो पूछता है कि जब वो अनेबल टू मेंटेन होते हैं, अगर ये लोग अनेबल टू मेंटेन होते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, दैट इज अ प्री कंडीशन, तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 5, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कि एप्लीकेशन कहां पे आएगी, एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में डाली जाएगी, तो वो डाली जाएगी अंडर सेक्शन 5, ठीक है। और किस किस के अगेंस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बार देख लेना। उसके जस्ट नीचे वो बताता है कि अगर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है तो वो 1 और मोर चिल्ड्रन के अगेंस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से मांग लेंगे, ठीक है। और अगर वो एक चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है तो वो उन 2G वाले रिलेटिव्स के पास जाएगा। तो पता चल गया ना किसके अगेंस्ट होगा। तो ये 5 का जो 1 का लेटर पार्ट है उसके अंदर वो बता रहा है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट हुम, उसमें लिख लेना कि अगेंस्ट हुम, यहाँ पे अगेंस्ट हुम बता रखा है, और उसमें आपको पता चल गया कि किसके अगेंस्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद जब हम 2 में आते हैं तो 2 में वो बताता है कि ये सब किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सो दैट दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, ऑब्जेक्ट है दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, इसलिए उनको मेंटेनेंस दिलाए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सब सेक्शन 3 में, यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि नॉर्मल लाइफ हो, किसकी, सीनियर पेरेंट्स की। 2 में वो बता रहा था सीनियर सिटीजन्स की नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, और 3 में बता रहा है कि पेरेंट्स की नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए, बस इतना सा ही डिफरेंस है। एमसीक्यू इसमें से बनने नहीं वाला है, बस ऐसी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 4 पे, ये इंपॉर्टेंट है। 4 में वो बोलता है कि जिसके पास भी सफिशियंट मींस है, ही शैल मेंटेन, वर्ड यूज हो रहा है शैल। अब शैल और मे में भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। शैल मेंटेन, जिसके पास भी इनफ संसाधन है, शैल मेंटेन द सीनियर सिटीजन, प्रोवाइडेड क्या है, जो हमने पहले देखा था कि या तो आप पोजेशन में हो या उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले हो, पोजेशन या फिर इनहेरिट। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो ट्रिब्यूनल्स है उनके रिकॉर्ड्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, सही बात है, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। और उसका सेक्शन किसी ने भी मेरे को अभी तक बताया नहीं है, 73 और 74 एक बार चेक कर लो, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ बता देगा आपको। और 76 भी देख लेना, सर्टिफाइड कॉपीज, और 76 के साथ 79 भी देख लेना, जेन्युइननेस के बारे में, ठीक है। सो ये 3-4 सेक्शन आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सच सीनियर सिटीजन, ये हमने देख लिया 4 में, ठीक है। अब इसके प्रोवाइजो में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अगर मोर देन 1 हो, ये जो जिनसे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, अगर वो मोर देन 1 हो, ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, प्रोवाइजो मोर देन 1 हो अगर, तो कैसे होगी, प्रोपोर्शनली होगी, बस ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से चलता है इतना काम, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 में, जो हमें बताता है एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस। 4 क्या था, बस वो बता रहा था कि उसमें आपको मेंटेनेंस मिलेगी और किसके अगेंस्ट आप उसको रिलीफ ले सकते हो, ठीक है। अब 5 जब आ गया है तो 5 में, 5 का ए पहले तो बताता है कि कौन कौन ले सकते हैं मेंटेनेंस इस एक्ट में, ठीक है। तो पहला कौन है, सीनियर सिटीजन और पेरेंट, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑलराइट, कौन आ सकता है यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने, सीनियर सिटीजन और पेरेंट, वो तो आएंगे, जिनको चाहिए वो आएंगे, या फिर अगर वो इनकेपेबल है, बी में प्री कंडीशन है, ए में तो हमें पता चल गया सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स, और बी में एक प्री कंडीशन है, इफ ही इज इनकेपेबल, अगर वो इनकेपेबल है, खुद नहीं आ सकते, तो एनी अदर पर्सन,
तो अदर पर्सन भी आ सकता है, ये हो गया तीसरा आदमी, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय हिम, ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, ऑथराइज्ड होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आ जाएगी, नहीं, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ठीक है। और जो ट्रिब्यूनल है वो सुओ मोटो भी कर सकता है। तो ये बड़े सारे पॉइंट्स हो गए हैं। सीनियर सिटीजन भी आ सकता है, पेरेंट भी आ सकते हैं, अगर वो इनकेपेबल है तो उनकी तरफ से अदर पर्सन भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑथराइज है वो भी आ सकती है, और सुओ मोटो भी ली जा सकती है। तो पांच तरीके हो गए, ठीक है। तो पांच के अंदर पांच तरीके हैं, ये याद रखना। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन के अंदर सिर्फ इतना जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉलंटरीली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर। पांच के दो में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताता है, जो है इंटरिम मेंटेनेंस। अगर वो पूछ ले इंटरिम मेंटेनेंस कहाँ पे है, तो ये तो मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आना चाहिए, स्टार लगना चाहिए इसके ऊपर। सो इंटरिम मेंटेनेंस पांच दो में दी गई है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो होनी है, ठीक है, मंथली अलाउंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, ओके, ऑलराइट। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे। अब थर्ड में वो बताता है हमें कि जब अब कैसे होगा। तो आप जो ट्रिब्यूनल है उसके पास एप्लीकेशन आएगी, वो एक नोटिस देंगे चिल्ड्रन या रिलेटिव को, और नोटिस देने के बाद उनको सुनेंगे और इंक्वायरी होल्ड करेंगे सो दैट दे कैन डिटरमिन द अमाउंट। तो क्या स्टेप्स हो गए, सबसे पहले एप्लीकेशन आई, उसके बाद उन्होंने इनको नोटिस भेजा, नोटिस के बाद उनको सुना, और उसके बाद उन्होंने एक इंक्वायरी करी, ठीक है, इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी हो जाने के बाद उन्होंने डिटरमिन किया। सो ये इस तरह से स्टेप्स चलेंगे, ये इंटरिम एप्लीकेशन जब हो रही है उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन टू में, सब सेक्शन टू में जो अलाउंस की बात हुई है, मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन आई है, उसको कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ करना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। सो 90 डेज की लिमिट दे रखी है, और किस में, ये सब सेक्शन फोर में, 90 डेज में आपको डिस्पोज ऑफ करना है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन सर्विस ऑफ नोटिस हुई रिस्पॉन्डेंट के ऊपर, बच्चों के ऊपर या रिलेटिव के ऊपर, जिनके ऊपर भी हो रही है, सर्विस ऑफ नोटिस से 90 दिन है, सर्विस ऑफ नोटिस से 90 दिन है। एप्लीकेशन जिस दिन भाई साहब ने दी है उस दिन से नहीं, जिस दिन उसकी सर्विस हुई है नोटिस की ऑपोजिट पार्टी पे, उस दिन से, ठीक है। अगर मेरी कहीं पे भी आवाज खटपट हो रही हो तो मुझे बता देना, बीच में रुक के आई कैन चेंज माई नेटवर्क, क्योंकि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होता है, ठीक है। चलो, सर्विस ऑफ नोटिस से 90 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। उसके बाद इस पीरियड को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, वो प्रोविजो में दिया हुआ है, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। एक्सटेंड कितना होगा, 30 दिन। तो ऐसे ही हमारा उसमें भी सीपीसी में भी यही होता है, 90 दिन का टाइम मिल जाता है हमें डब्ल्यूएस के लिए, 30 दिन, फिर प्लस 60 दिन होता है, और उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 30 दिन से, राइट। ऐसा ही कुछ प्रोविजन दिया हुआ है। साथ में 148 में एनलार्जमेंट भी हो सकती है टाइम की, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। और ये मुझे चैट में बताओ कि एनलार्जमेंट कितने दिन की होती है मैक्सिमम, और ये भी बताना कि केवियट कितने दिनों का होता है, ये भी बताना, ठीक है। एक एनलार्जमेंट कितने दिन की होती है और एक केवियट कितने दिन का होता है, ये दोनों चीजें मेरे को बताना फटाफट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं पांचवे में। सो पांचवा बताता है कि एक या एक से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, ठीक है। और प्रोवाइजो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलता है कि ये जो चिल्ड्रन या रिलेटिव है, दे कैन इम्प्लीट दी अदर पर्सन लाइबल टू मेंटेन, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई जिसके अगेंस्ट हुआ है क्या वो दूसरे को इम्प्लीट कर सकता है, दूसरे को बोल सकता है कि भाई तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी आओ, क्या उसके पास ऐसा हक है? हाँ, उसके पास ये हक है, पांच के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि इम्प्लीट करा जा सकता है दूसरे को। भाई ये चीज याद रखना, ऐसा लगेगा मन में, ऐसा आएगा कि नहीं यार उसकी जिसकी जिम्मेदारी है बस उसको बोलेंगे और वो पे करेगा, ठीक है, ऑलराइट। छह में बताता है कि डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की डेथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पे करेंगे, ऑलराइट। एक की डेथ से दूसरों की लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। उसके बाद सेवन पे आ जाते हैं, वो बोलता है एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। कब से पेबल होगा? डेट ऑफ द ऑर्डर से, डेट ऑफ द ऑर्डर। और अभी हमने ऊपर क्या देखा था, 90 दिन फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस, ये किस चीज के लिए, डिस्पोजल के लिए, 90 दिन फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेट ऑफ द ऑर्डर जो है उस दिन से पेमेंट करने को बोला जा सकता है, या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी बोला जा सकता है, पीछे बैक डेट से भी बोला जा सकता है, डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो ये दोनों है। अब वो आपको एमसीक्यू में डाल सकते हैं कि क्या डेट ऑफ ऑर्डर से बोला जाएगा, या डेट ऑफ एप्लीकेशन से बोला जाएगा, या कोई लेटर डेट से बोला जाएगा, या फिर उस दिन से बोला जाएगा जिस दिन से आप पैदा हुए हो। तो आपको लगाना है कि ये ऊपर वाले दो, इन दो को लगाना, डेट ऑफ द ऑर्डर से भी हो सकता है और डेट ऑफ द एप्लीकेशन से भी हो सकता है, ठीक है। चलो नाउ आठवें में बताता है, अगर ये बिना किसी सफिशियंट रीजन के फेल हो जाते हैं और पैसे नहीं देते, तो हर ब्रीच के लिए वारंट भी निकाला जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि क्या इसकी रेमेडी होगी भाई, सम्मन करेंगे या अटैचमेंट करेंगे या क्या करेंगे। सो यू हैव टू नो कि पांच के आठ में लिखा हुआ है कि हर एक ब्रीच के लिए वारंट छोड़ा जा सकता है। वारंट माने भाई साहब अरेस्टिंग होगी डायरेक्ट एकदम, ठीक है। और उसकी एवज में अगर उन्होंने फिर भी पे नहीं किया, तो प्रोविजन है कि इम्प्रिजनमेंट भी करी जा सकती है। ये 125 की तरह है, सेक्शन 125 की तरह है सीआरपीसी के, 30 दिन के लिए आपको भेजा भी जा सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। और उसी के साथ साथ 125 की तरह ही, जैसे 125 में है, क्या बोलता है कि ये वारंट वगैरह इशू नहीं किया जाएगा अनलेस आपने एप्लीकेशन 3 महीने के अंदर लगाई है, ठीक है। जिस दिन पैसे ड्यू हुए थे उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है रिकवरी की,
नहीं तो भूल जाना उन पैसों को। तो 3 महीने के अंदर बड़ी सारी डेट्स और नंबर्स और डेज और कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा ये सारी चीजें 5 में आ जाती है। 5 में से क्वेश्चन बनना लाजमी है। इंटरिम मेंटेनेंस में भी बन सकता है, ये एनफोर्समेंट में से भी बन सकता है। तो अभी तक हमने जो स्टार वाले क्वेश्चन देखे हैं वो कौन से देखे हैं? एक तो पर्पसेस, एक 2G में जो रिलेटिव है, और एक सेक्शन 5। ये बहुत ही कतई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बात है। 148 में केवीएट है, केवीएट 90 दिन के लिए रहता है, और एनलार्जमेंट ऑफ टाइम जो है वो 30 दिन के लिए करी जा सकती है, ठीक है जी, 30 दिन के लिए करी जा सकती है। ऑल राइट, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसी बात में मुझे एक बार ये बताओ, जो हम ये मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं सीआरपीसी में, ये सीआरपीसी में मेंटेनेंस के जो सेक्शंस हैं ये कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर बताना मेरे को, ध्यान से सोच के बताना, कई बार गलती हो जाती है। चलो अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 में, और सेक्शन 6 बताता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है। और ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर में वो बताता है कि प्रोसीडिंग्स मे बी टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ पे, एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही रिजाइड्स। अब यहाँ पे जो ही है ना उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन्होंने ढंग से बताया नहीं है। ऊपर तो सब्जेक्ट है द पर्सन अगेंस्ट हुम यू आर परस्यूइंग द रेमेडी, और नीचे ही लिख रहे हैं, तो ही तो मतलब होना चाहिए द ओपोनेंट, मगर वो ही नहीं है। ही रिजाइड्स और लास्ट रिजाइडेड है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। रिजाइड्स और लास्ट लास्ट रिजाइडेड ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और उसके नीचे लिखा है वेयर चिल्ड्रेन और रिलेटिव रिजाइड। ओपोनेंट्स की बात बाद में हुई है, बी में, वेयर चिल्ड्रेन और रिलेटिव रिजाइड। तो इन दोनों के जहां पे ये रहते हैं, जहां पे इन्होंने लास्ट रिजाइड किया था, और ये चिल्ड्रन एंड रिलेटिव जहां रहते हैं वहां पे आप इनकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, ठीक है। प्रोसेस इश्यू कर दोगे वो लोग आ जाएंगे। और ये भी पूछ सकते हैं, 3 में एक एमसीक्यू बनता है 6 के 3 में, कि इनके पास किसकी पावर होगी। कभी कभी पूछते हैं ना कि सिविल कोर्ट की पावर होगी या कौन सी कोर्ट की पावर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी की पावर होगी भाई साहब, जेएमएफसी की पावर। और मुझे इसी बात पे ये बताओ कि जेएमएफसी की पावर कौन से सेक्शन में बताई गई है। इनफैक्ट सारे ही कोर्ट्स की पावर्स कौन से सेक्शन में बताई गई है हमारे सीआरपीसी में, ठीक है, ये बताओ। और जो जो लोग बोल रहे हैं चैप्टर नंबर अच्छा चैप्टर नंबर 19, चलो ये तो गलती से बोल दिया होगा, चैप्टर नंबर 9 है मेंटेनेंस है, चैप्टर नंबर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बड़े सारे लोगों ने बताया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दी एनर्जी। आई थिंक सब लोगों के ठीक है, चैप्टर 9 में, अब तो किताब खोल के देख ली होगी सबने, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 6 का 4 है जो बताता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल, कि जो जितना भी एविडेंस लिया जाएगा ना इस प्रोसीडिंग में, वो रिलेटिव्स और जो ओपोनेंट्स हैं, जो ऑपोजिट पार्टी है ओपी है, उनकी प्रेजेंस में लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल इस पे भी स्टार लग जाना चाहिए, इस पे भी स्टार लग जाना चाहिए कि उनकी प्रेजेंस पूछ सकते हैं जरूरी है या नहीं है। और आपको लगेगा छोटी मोटी ट्रिब्यूनल वाली चीजें हैं, तो ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है, समरी प्रोसीजर, समन और समरी प्रोसीजर इसमें फॉलो हो रहा है, तो शायद नहीं करते होंगे, मगर प्रेजेंस जरूरी है। और ये प्रेजेंस की बात, प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड की बात जो है, उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिन जो है सीआरपीसी में कहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जो लोग जेएमएफसी वगैरह की पावर जो बता रहे हैं, मुझे 28-29 बिल्कुल सही बता रहा है, 28-29 ऑफ सीआरपीसी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो प्रेजेंस वाली बात है ये सीआरपीसी में हमें कहां देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, पेन का कलर पसंद नहीं आ रहा, वाह वाह, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है यार, ये कलर अच्छा है, दिख रहा है कम से कम सबको, ठीक है। चलो अब प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स में लेना है। एंड ये आगे एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा है कि एविडेंस जो है इट शैल बी रिकॉर्डेड एज इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन्स केसेस। अब देखो आगे ना कंफ्यूजन होगी, इस चीज पे स्टार लगा लो, गोले मार लो, और लाल पेन से इसके ऊपर एक निशान भी लगा लो कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो रही है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये समन्स केस के हिसाब से होगी, समन्स केस के हिसाब से होगी, जो समन्स केस में होती है। अच्छा ये ध्यान रखना कि समरी केसेस में भी समन्स ही फॉलो होता है, वैसे तो प्रोसीजर तो समन्स ही फॉलो होता है, मगर यहाँ पे जिस तरह से लिख रहा है उसमें से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो अगर पूछ लेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरह से होगी, तो वो समन्स केस के हिसाब से होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइजो में वो बताता है अगर अवॉइड कर रहा है कोई सर्विस या विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है अटेंड करना ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स को, तो फिर वो एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स पार्टी है कहां पे, तो 6 के 4 के प्रोवाइजो में एक्स पार्टी है। एक्स पार्टी ऑर्डर कहां पे होगा, 6 के 4 के प्रोवाइजो में। और 5 के 2 में हमने क्या देखा था, इंटरिम, इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ऑलराइट, इस चीज को ध्यान रखना। सीआरपीसी वाला मुझे बड़े उटपटांग से आंसर आ रहे हैं, मैं खुद बता देता हूँ। 273 ऑफ सीआरपीसी है, जिसके अंदर अक्यूज की हियरिंग में एविडेंस होनी चाहिए, इस राइट का ख्याल रखा गया। उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का भी राइट का, क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट का भी ख्याल रखा गया, इस चीज को ध्यान रखना। एक्स पार्टी ऑर्डर हमने देख लिया 6 के 4 में, ठीक है, 5 को छोड़ दो, 5 में कुछ नहीं दिखा मुझे। उसके बाद 6 में बताता है कि बिफोर हियरिंग, ये देखो यहाँ पे स्टेज पूछ सकता है, 6 के 6 में पूछ सकता है कौन सी स्टेज पे कौन किसको रेफर कर सकता है केस, ठीक है। तो पहली बात तो ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो है वो बिफोर हियरिंग एप्लीकेशन अंडर 5, बिफोर हियरिंग है, इसको ध्यान रखना, इस पे बन सकता है एमसीक्यू, बिफोर हियरिंग, इसके ऊपर भी स्टार लगा लो, बिफोर हियरिंग, स्टेज क्या है, बिफोर हियरिंग।
अपने आप कुछ खुद कुछ करने से पहले ही मे रेफर, एक चीज ये हो सकती है उस पर कोई बाध्यता नहीं है, ही मे रेफर, जैसे हम सीपीसी में देखते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर 10 रूल 1A, वहां पे तो बाध्यता है, वहां पे तो शैल लिखा गया, एक बार फिर भी चेक कर लेना, मगर मेरे हिसाब से वहां पे शैल है, बाध्यता है कि आपको रेफर करना है अगर रेफरेबल केस है, मगर यहाँ पे मे लिखा गया है, तो द ट्रिब्यूनल मे रेफर बिफोर हियरिंग द एप्लीकेशन टू द कंसीलिएशन ऑफिसर, ठीक है, कंसीलिएशन ऑफिसर किसको दोगे, कंसीलिएशन ऑफिसर CO, और ये जो कंसीलिएशन ऑफिसर है ये अपनी फाइंडिंग्स कितने दिनों में देगा, 1 महीने में, ये जरूर याद रखना भाई जरूर याद रखना, बहुत सारे नंबर वंबर है इसके अंदर, याद रखना, ट्रिब्यूनल भेजेगा बिफोर हियरिंग, किसको भेजेगा, CO को, ऑलराइट। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, 6 से आगे, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही, एक्सप्लेनेशन बता रही है, फॉर द पर्पस कंसीलिएशन ऑफिसर मींस अ पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन द एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 of 5 और मेंटेनेंस ऑफिसर, कौन हो सकते हैं कंसीलिएशन ऑफिसर्स, कंसीलिएशन ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन के किसी एनजीओ वगैरह से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, या फिर ये मेंटेनेंस ऑफिसर्स हो सकते हैं जो मेंटेनेंस ऑफिसर स्टेट बना के देगी हमें, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफिसर, जैसे हमारे डीबी एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं ना, वैसे यहाँ पे इन्होंने मेंटेनेंस ऑफिसर्स बना के दे दिए, तो इनको याद रखना, और साथ में वो बोलता है और एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, एनी अदर नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, तो कितने लोग हो गए, 3, लिख लेना उसके बगल में 3 people, 3 persons, तो कौन कौन हो गया, एनजीओ का बंदा, मेंटेनेंस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, कौन नॉमिनेट कर रहा है, ये सीनियर सिटीजन या पेरेंट नहीं नॉमिनेट कर रहे किसी को, ठीक है ना, कौन कर रहा है, कंसीलिएशन ऑफिसर को नॉमिनेट, ट्रिब्यूनल, हम थोड़ी करेंगे, सीनियर सिटीजन थोड़ी करेंगे या बच्चे थोड़ी करेंगे। चलो उसके बाद आ गया 7, अब ये शुरू शुरू के थे जिनमें बहुत ही गाड़े गाड़े एमसीक्यूज थे, आगे मेरे ख्याल बड़े कम कम है, एक एक दो दो ही है, तो हम फटाफट निकलेंगे आगे, ठीक है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल वो बता रहा है कि कौन करेगा, पहली बात तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, और ये याद रखना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्लिकरिंग है इन एक्ट्स में, कौन रूल बना रहा है, कौन रेगुलेशन बना रहा है, कौन सेटअप कर रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे भी ध्यान रख के धीरे धीरे समझते हुए चलना, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है जो कितने टाइम में बनाएगी इस एक्ट के कमेंसमेंट के, कितने टाइम में वो एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाएगी, 6 महीने के अंदर, 6 months, 6 महीने का टाइम बनेगा, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना, और कहाँ कहाँ बनाएगी, फॉर ईच सब डिविजन, ठीक है, फॉर ईच सब डिविजन, ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 का 2, इसके ऊपर स्टार लगा लो, कि ये जो ट्रिब्यूनल है इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, वो होगा SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, SDO ही वो लोग होते हैं जो आगे जाके फिर DM वगैरह बनते हैं, और ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ना इस एक्ट में, अपीलेट अथॉरिटी, वो अपीलेट में कौन बैठते हैं, DM साहब, बड़े साहब बैठते हैं वहां पे, ठीक है, तो SDO जो है वो ट्रिब्यूनल के लिए बैठते हैं, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें DM साहब बैठते हैं, ठीक है। चलो अब 7 के 3 में देखना, ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करेगा, और हमें लगेगा कि भाई डीएम करता होगा, क्योंकि डीएम ये बड़ा नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। चलो लेट्स गो अहेड, अब आ गया 8, अब मैंने इसलिए बोला था कि वो जो समन्स केस जहां पे लिखा हुआ था ना, समन्स केस किस चीज के लिए था, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, उसको ध्यान से देखना, इसलिए बोला था, क्योंकि अब यहां पे 8 में आपको दिखेगा समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी, अब यहां पे क्या हो रही है, इंक्वायरी, इंक्वायरी में समरी प्रोसीजर होगा, एविडेंस में समन्स था और इंक्वायरी में समरी प्रोसीजर है, इन होल्डिंग एनी इंक्वायरी फॉलो सच समरी प्रोसीजर एज इट डीम्स फिट, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा नीचे पीछे आपको बोला था कि ट्रिब्यूनल के पास कौन सी पावर्स होंगी, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे इंक्वायरी के लिए कौन सी पावर्स होंगी, वहां पे तो आपको अटेंडेंस वगैरह बुलवानी थी और वो सब करना था ना, तो वहां पे आपको JMFC की पावर दे रहे थे, और यहाँ पे किसकी दे रहे हैं, सिविल कोर्ट की, इंक्वायरी के टाइम पे, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर है, इस चीज को भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, 9, सेक्शन 9 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा था कि जो प्रपोज कर रहे थे वो प्रपोज में मेंटेनेंस में कौन कौन से थे, 4, 5 और 9, 4 में हमने देखा कि उन्होंने बताया कौन एप्लीकेशन लगा सकता है और कहां लगा सकता है, 5 के अंदर तो हमने अनगिनत चीजें देखी, और अनगिनत चीजों के बाद अब हम आ गए 9 पे, जिसमें हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, यहां पे ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ओके, ये बताओ जो सेक्शन 125 CRPC है उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ मेल्स को, मेल्स के ऊपर बाउंडेशन है मेंटेनेंस की, या फिर फीमेल्स भी हो सकती है, क्या माँ बाप 125 में फीमेल से, डॉटर से अपनी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और अगर मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, इस इशू पे फेमस केस है एक, वो फेमस केस का नाम जो मुझे बता दे मैं मान जाऊंगा, उसका यूपी निकलने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, अब 9 में एक तो हमें ये याद रखना है कि भाई ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस का ऑर्डर बन रहा है, 5 के 2 में क्या बन रहा था, इंटरिम,
वो इंटरिम था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है। और उसके बाद इसका 9 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिमिट बताई गई है, इसमें लिमिट बताई गई है, और लिमिट कितनी है, महज 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से ज्यादा का बोझ नहीं डाला जाएगा बच्चों के ऊपर, और ना ही डाला जाएगा रिलेटिव के ऊपर। इस चीज को बहुत बहुत ध्यान रखना, 10,000 रुपए में आजकल क्या बनता है, दवाइयों में खर्च हो जाएंगे इतने में। ठीक है चलो, अब उसके बाद आ गया सेक्शन 10। सेक्शन 10 10 बात करता है ऑल्टरेशन इन अलाउंस की। तो ऑल्टरेशन भी हो सकती है, और ऑल्टरेशन के साथ साथ कैंसिलेशन भी हो सकती है। बिल्कुल वही सेम सिद्धांत जो हमारा 125 127 में फॉलो होता है, सेक्शन 127 सीआरपीसी में, वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। ठीक है, क्या फॉलो हो रही है कि आप या तो ये दिखाओगे कि भाई मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, गलती से गलत तरह की गलत आदमी से मेंटेनेंस दिलवा दी, या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो रहा है, जो बुड्ढे भाई साहब है उनकी कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई, ठीक है, या पैसे वैसे आने लग गए कहीं से, रेंटल इनकम आने लग गई, तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गए, दे डोंट नीड एनीथिंग, या फिर उनकी डेथ हो गई तो फिर मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली सो ऐसे केसेस में ऑल्टरेशन हो सकता है अलाउंस का। डेथ हो जाएगी तो वैसे कोई क्लेम ही क्यों करेगा, है ना, तो वो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ऑल्टरेशन 10 में है, बस ये याद रखना है हमें, और 10 के 2 में वो कैंसिल या वेरी कर सकते हैं, ये चीज को याद रखना है हमें। ठीक है, इतनी बात को याद रखना 127 सीआरपीसी में। ओके सो ओके, बहुत सारे लोगों का यूपी निकलने वाला है भाई। सो सोनाली, केशव, किम जिम, किम जोंग हुन, ओ किम जोंग हुन भी बैठे हैं हमारे क्लास में। तो या दिस इज विजया अरबट वर्सेस काशीराव अरबट। काशीराव अरबट कब का केस है, एक बार डेट भी बताऊंगा, 1960 समथिंग, 1961 या 2 आई थिंक। इस केस में बोला गया था कि डॉटर से भी मांगा जा सकता है। ठीक है, डॉटर से भी 125 के 1 में जो डी क्लॉज है ना, वहां पे जो पेरेंट्स मांग रहे हैं उसमें हम ही को शी भी मानेंगे, ही इक्वल्स टू शी भी हो जाएगा, और वहां पे डॉटर से भी मांगा जा सकता है। ठीक है चलो, वेरी गुड यार, ग्रेट, लवली। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 में बात करता है एनफोर्समेंट की, एनफोर्समेंट की बात करता है, और वो बताता है कि एक कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो तो विदाउट पेमेंट दे दी जाएगी सीनियर सिटीजन को, ऑपोजिट पार्टी को नहीं, सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। अच्छा ये याद रखना, अभी यहाँ पे एनफोर्समेंट में तो ये बोल रहे हैं कि एक फ्री कॉपी दी जाएगी किसको, सीनियर सिटीजन को। ठीक है, अभी आगे जो होगा ना अपेलेट ट्रिब्यूनल, वहां पे बोलेंगे कि दोनों को दे दो फ्री कॉपी, बोथ, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है, बट यहाँ पे फ्री कॉपी सिर्फ सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं, आगे दोनों को दे रहे हैं, इस चीज को याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें कई बार आ जाती है, मैंने अभी क्वेश्चन देखा था दिल्ली डीजेएस का, एक क्वेश्चन कल रात को ही हम लोग कर रहे थे, एंड उसमें क्वेश्चन क्या था कि 366 ऑफ सीआरपीसी जो है उसमें सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी या नॉर्मल कॉपी दी जाएगी। तो अब चेक करना सीआरपीसी में 363 में, बड़ी अजीब सी बात है कि इम्प्रिजनमेंट का जब आपके ऊपर सेंटेंस हो रहा हो हाई कोर्ट में, अगर आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस हो रहा हो तो आपको नॉर्मल कॉपी दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगी मगर नॉर्मल कॉपी होगी। और जो डेथ सेंटेंस अगर हो रहा हो, डेथ सेंटेंस कन्फर्म हो रहा हो, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी और बिना आपके मांगे दी जाएगी, आप एप्लीकेशन लगाओ या मत लगाओ आपको दी जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दिल्ली तो पूछ ही सकता है, बट कुछ नहीं पता, यूपी भी आसपास ही है। ठीक है, सो इन चीजों को भी ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें कभी भी आ सकती हैं, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा यार पढ़ लेना चाहिए ध्यान से, है ना, तो वो वाली फीलिंग ना आए बाद में। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वो बोलता है कि हाँ, सीनियर सिटीजन को एक कॉपी दे दी जाएगी, एंड एनफोर्स कहाँ पे किया जाएगा, enforce कहाँ पे किया जाएगा, वो बता रहा है, in whose favor it is made and such order may be enforced by tribunal at any place where the person against whom it is made resides, जिसके against किया गया है वो order, माने जो relatives हैं या जो बच्चे हैं वो जहाँ reside करते हैं, relatives, opposite party जहाँ reside करती है, enforcement वहाँ पे होगी, और enforcement जो होगी it will be executed in the same manner as in chapter 9। चलो ये बता दो मुझे कि chapter 9 जो maintenance वाला जो आप पहले बता चुके हो, उसमें कौन से section में enforcement की बात करी गई है, enforcement की बात कौन से section में करी गई है, मुझे ये बता दो। ठीक है चलो, अब आ जाओ 12 पे। 12 हम बताता है कि ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस, वो बोलता है कि छोटी सी बात बस इतनी बोलता है आपसे, इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि क्या कोई सीनियर सिटीजन दोनों एक्ट्स में मेंटेनेंस मांग सकता है, और हम सोचेंगे भाई वाइफ को तो देते हैं यार ये अधिकार कि वो सारे दुनिया के सारे एक्ट्स उठाए, 8-10 एक्ट्स में जाके मेंटेनेंस मांग ले, है ना, तो ये तो देते हैं, तो इनको भी देते होंगे कि कहीं भी मांग ले। नहीं, यहाँ पे केस उल्टा है, लास्ट में बोलता है दे कैन क्लेम सच मेंटेनेंस अंडर आइदर ऑफ दोज एक्ट्स बट नॉट अंडर बोथ, नॉट अंडर बोथ, तो भैया उस पे नो लगा के आना, नॉट अंडर बोथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, 12 के अंदर लिखा हुआ है, लास्ट लाइन चेक कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 128 में एनफोर्समेंट की बात करी गई है, 128 में एनफोर्समेंट की बात करी गई। ठीक है, और एक हिंदू मैरिज एक्ट में एनफोर्समेंट की बात कहां करी गई, ये बता दो। चलो हिंदू मैरिज एक्ट हमारा आई नहीं रहा तो कोई बात नहीं, रहने कोई बताना चाहे शिद्दत हो तो बता दे। चलो उसके बाद आता है 13, ये हमने अभी अपने पेनल्टी वाला जो मैं आपको पनिशमेंट बता रहा था उसमें भी डाला था कि पनिशमेंट्स हैं कुछ कुछ कहीं कहीं दे रखी है। ठीक है, सो डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अकाउंट, मेंटेनेंस अमाउंट आपको बोला जा सकता है कि जहां पे आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ है इस चैप्टर में, तो अगर आप चिल्ड्रन या रिलेटिव हो जिनको बोला गया था कि भाई ये अमाउंट भरो,
उनको 30 दिन के अंदर, जब प्रोनाउंसमेंट हुई थी ऑर्डर की, उनको 30 दिन के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा अमाउंट देना होगा। 30 डेज में एंटायर अमाउंट देना होगा जितना बोला गया है। अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन से बोला गया तो काफी अमाउंट बन गया होगा, 4-5 महीने का, 6 महीने लग गए होंगे ना, और 10-10 हजार अगर बोले तो 60 हजार हो गया होगा। तो आपको बोलेंगे कि 30 दिन के अंदर भैया 60 हजार रुपए जमा करें यहाँ पे, तो ये बोला जा सकता है 13 के अंदर एंटायर अमाउंट, ठीक है। और 14 के अंदर तो बड़ी छोटी सी बात बोल रहा है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि एक तो इन एडिशन होगा, इन एडिशन मेंटेनेंस के ऊपर ही लगेगा ना, तो उसके साथ ही देंगे ऑब्वियसली, तो इन एडिशन होगा। फ्रॉम डेट नॉट अर्लियर देन डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन की डेट से पीछे तो आप नहीं जा सकते ऑब्वियसली, उससे पहले के कैसे दिला दोगे, है ना। ये तो ये सीपीसी के 34 में तो हो सकता है, वहां पे क्या बोला हुआ है कि अगर उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह बनता था कॉन्ट्रैक्ट में तो वो उससे पहले का आप दिला दो, मगर जिस दिन से उसने अप्लाई किया है, जिस दिन कोर्ट में आया, उसके आगे यू हैव टू सी कि आपने कितने इंटरेस्ट दिलाना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी है कि एप्लीकेशन के दिन के बाद से आप इंटरेस्ट दिला सकते हो, उससे पहले की बातें नहीं करोगे आप, कोर्ट के पास वो पावर नहीं है। सो एप्लीकेशन के बाद का इंटरेस्ट दिला सकते हो, और वो इंटरेस्ट कितने परसेंट का हो सकता है, 5-18%। मुझे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की परसेंटेज नहीं बताई किसी ने अभी तक, किसी का नहीं आया, मेरे हिसाब से किसी का नहीं आया, हो सकता है मैंने मिस कर दिया, मगर ध्यान रखना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जहां जहां भी बोलेगा, मेरे ख्याल जैसे सेक्शन 72 है और शायद 63 में भी है, तो वहां पे हर जगह 9% की बात हुई है, 9%। तो टीपीए में आपको अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 9% इंटरेस्ट से लगा देना, ठीक है। चलो यहाँ पे 5-18 का हो गया, ऑलराइट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब वो आगे बोलता है, एक प्रोवाइजो में एक क्वेश्चन बन सकता है, वो बोलता है कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है मेंटेनेंस की, कहां पे, 125 वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी में, वो पेंडिंग है। अब ये एक्ट बाद में आया ना, सीआरपीसी बाद, तो अगर आपकी सीआरपीसी में पेंडिंग थी तो कोर्ट आपको अलाउ करेगी कि आप वहां से विड्रॉ करो और ट्रिब्यूनल के सामने लगा दो, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछे कि ऐसा हो सकता है आप विड्रॉ करके ट्रिब्यूनल के सामने ला सकते हो, तो हाँ ला सकते हो, वो आपको अलाउ किया गया इसके अंदर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, 15 में अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अब मैंने पीछे आपको बोला था ना कि जो नॉर्मल ट्रिब्यूनल था उसके अंदर आपको एसडीओ साहब बैठा रखे थे आपने, और यहाँ पे आप किसको बिठा रहे हो, डीएम साहब, ठीक है, डीएम को बता। एक बार पीछे चले जाओ, एक बार देख लो वहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में क्या दे रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जो था उस सेक्शन नंबर 7 में था, और उसमें ना एक चेंज और है। सेक्शन 7 में बोलता है फॉर ईच सब डिविजन, ठीक है, सब डिविजन, जैसे हमारा नॉर्मल मैजिस्ट्रेट वगैरह की कोर्ट्स होती है वो छोटी छोटी डिविजन के लिए, छोटे छोटे एरियाज के लिए होती है, वैसे यहाँ पे एसडीओ की जो ट्रिब्यूनल है वो सब डिविजन के लिए, और जो डीएम साहब की कोर्ट है वो फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट है, ईच डिस्ट्रिक्ट एक लेवल ऊपर है, ठीक है। तो ये डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा, ये चीज को भी याद रखना, डीएम बैठेगा वहां पे, ओके। अब आ जाते हैं हम 16 पे, जिसमें बात करी गई है अपील्स की, बहुत इंपॉर्टेंट अपील्स की बात करी गई है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डीएम से याद आया, जरा मुझे एक बार बताओ, सेक्शन 106, 107, 108, 109 और 110 ऑफ सीआरपीसी में किस किस के पास पावर है, ये मुझे बताओ मत, बस एक बार चेक कर लेना किस किस के पास पावर है इस पे, ये इनसे बॉन्ड मांगने की, सिक्योरिटी मांगने की, और किन किन के पास पावर है, बस ये देख लो, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी देख लेना कि सर्च प्रोविजंस कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, कि जो टेलीग्राम अथॉरिटीज हैं उनको कौन, उनके यहाँ पे सर्च करने के लिए कौन है, उनके यहाँ पे किसी चीज को रिटेन करने का अगर ऑर्डर देना हो तो कौन दे सकता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको चेक कर लेना, ठीक है। चलो अपील्स में आ जाते हैं। अपील्स में जो अपील का आपको टाइम मिला है वो क्या है, 60 दिन, 60 डेज, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आप अपीलेट कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। प्रोवाइजो में वो बताता है कि जिसको पैसे देने के लिए बोला गया था अपील के टाइम पे भी ही विल कंटिन्यू टू पे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विल ही कंटिन्यू टू पे, और विल द पेमेंट बी स्टेड, ना स्टे नहीं होगी, ही विल कंटिन्यू टू पे, ठीक है। तो ये तो आपको देखना है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्डोनेशन के बारे में प्रोवाइजो में बताया है कि अगर ऐसा लगता है कि देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज, तो 60 दिन से ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये तो हर जगह होता ही है। उसके बाद सीधा 3 में आ जाओ, 16 के 3 में आ जाओ, जिसमें वो बोल रहा है द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, ठीक है, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स भी कर सकता है, ठीक है। ये बताओ रिविजन पावर कहाँ पे है, रिविजन की पावर सीआरपीसी में कहाँ पे है, सेशन और हाईकोर्ट की रिविजन पावर कहाँ पे है, ये मुझे चैट में बताओ। उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर एग्जामिनिंग द अपील एंड रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर आइदर अलाउ और रिजेक्ट द अपील, आइदर अलाउ और रिजेक्ट द अपील, दोनों काम कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इनका जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, द डिसीजन विल बी फाइनल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऊपर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो ऑब्वियसली सबको देनी पड़ेगी, पीछे कहीं लिखा नहीं था तो कहीं ऐसा मत सोच लेना कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो इनको सुनवाई की कोई वो जरूरत नहीं है, नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हर किसी को दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कितना टाइम है अपील सुनाने के लिए, अपील पे जजमेंट सुनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। 16 के 6 में लिखा हुआ है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको अपना जो जजमेंट है वो 1 मंथ में सुनाना है, 1 मंथ,
विच इज अ वेरी वेरी लेस टाइम, ये जरूर एक बार चेक कर लेना ठीक है। एक बार पीछे घूम के भी मुझे ये बताओ कि जो नीचे वाला ट्रिब्यूनल था उसके पास कितना टाइम था डिस्पोजिशन के लिए, मैटर की डिस्पोजिशन के लिए, ये मुझे देख के बताओ ठीक है। ओके अब यही मैं कह रहा था, 16 के साथ में देखो जो कॉपी है इट विल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज, इट विल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज। पीछे क्या था, सिर्फ सीनियर सिटीजन को दी जा रही थी और यहाँ पे किसको, बोथ को दी जा रही है ठीक है। चलो अब 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे ठीक है, मगर 16 के 5 का जो प्रोविजो है उसमें वो बोलता है कि पर्सन थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है ठीक है। 16 के 5 का प्रोविजो एक बार चेक करना और उसके अंदर वो बोल रहा है कि ड्यूली ऑथराइज बंदा आ सकता है आपकी तरफ से, ड्यूली ऑथराइज इंसान आ सकता है ठीक है। तो आप किसी ड्यूली ऑथराइज इंसान को तो ला सकते हो, मगर लीगल प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे यहाँ पे इस ट्रिब्यूनल में, लीगल प्रैक्टिशनर्स हम लॉयर्स वगैरह नहीं जाएंगे ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद हम 18 में आ जाते हैं, 18 बताता है कि इनको मेंटेनेंस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेनेंस ऑफिसर डेजिग्नेट करने का भी अधिकार है, और वो मेंटेनेंस ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनको मेंटेनेंस ऑफिसर बुलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, इनका नाम याद रख लेना, ये भी आ सकता है कि मेंटेनेंस ऑफिसर्स कहां से होंगे ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ओके। उसके बाद इन मेंटेनेंस ऑफिसर्स के पास भी ये पावर है कि वो उस पेरेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन की इनके पास भी पावर है, रिप्रेजेंटेशन पावर। तो आप देख रहे हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को तो मना कर दिया 17 में, मगर मेंटेनेंस ऑफिसर भी आ सकता है आपको रिप्रेजेंट करने, या फिर कोई ड्यूली ऑथराइज बंदा भी आ सकता है। तो ये दो तरीकों से, या फिर आप खुद तो जा ही सकते हो, तो तीन तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आपको ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। हमने जो चैप्टर नंबर 2 था वो देख लिया, कहां से कहां तक था, 4 से लेके 18 तक हमने चैप्टर नंबर 2 देख लिया। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, ये भी हमने देखा था प्रपोजल्स में था ठीक है, ओल्ड एज होम्स। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है, सेक्शन 19 कहता है कौन करेगा इनको सेटअप, स्टेट गवर्नमेंट करेगी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। एटलीस्ट वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ये तो होगा इनका नंबर ठीक है, और इनमें मिनिमम अकोमोडेशन कितनी होनी चाहिए, 150 सीनियर सिटीजन की, इसके ऊपर स्टार लगा देना, हो सकता है बन जाए। और ये सीनियर सिटीजन होने चाहिए इंडिजेंट सीनियर सिटीजन ओके, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। अब उसके बाद इसके आगे का सारा छोड़ दो, उसके बाद सीधा चैप्टर 4 पे आ जाओ, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन था ठीक है, ओल्ड एज होम्स में सिर्फ एक ही सेक्शन था, ये याद रखना, सिर्फ सेक्शन नंबर 19। अब सेक्शन नंबर 20 पे आ जाओ, मेडिकल सपोर्ट पे आ गए, वो बताता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर क्या क्या इंश्योर करोगे, और ये कहां पे होगा ये जरूर देख लेना, जो हॉस्पिटल्स हैं जो फुल्ली या पार्शियली फंडेड बाय गवर्नमेंट है उन पे अप्लाई कर रहा है ये ठीक है, फुल्ली और पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट उनके ऊपर अप्लाई करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो वो फर्स्ट एड वाली एक फाउंडेशन बनाई गई है 357 सी में एक बार चेक करो, 357 सी में है क्या ट्रीटमेंट का, सीआरपीसी में, वो किसके ऊपर है, प्राइवेट लोगों के ऊपर है या गवर्नमेंट के ऊपर है या दोनों के ऊपर है या किसके ऊपर है, एक बार ये चेक करके मुझे बताओ फटाफट से ठीक है। चलो 20 में ये बताता है कि एक तो आपको बेड्स प्रोवाइड करने हैं सीनियर सिटीजन के लिए, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, हम वहां देख के समझ भी जाएंगे, बस एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो बेड्स प्रोवाइड करने हैं, सेपरेट लाइनें होनी चाहिए उनके लिए, उसके बाद जो फैसिलिटी है ट्रीटमेंट की उसको एक्सपैंड करो, रिसर्च एक्टिविटी को एक्सपैंड करो, और जो जेरियाटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज को एक्सपैंड करो, उनके लिए फैसिलिटीज बनाओ ठीक है, उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट, ड्यू डिपार्टमेंट फॉर जेरियाटिक पेशेंट्स होना चाहिए। जेरियाटिक का मतलब होता है जो ओल्ड हो जाते हैं ना, 65 से ऊपर जो होते हैं वो जेरियाटिक उनके लिए टर्म है, रिलेटेड टू ओल्डर पीपल, ओल्डर एडल्ट्स, तो जेरियाटिक पीपल। तो दो चीजें इन्होंने बताई, एक तो बिस्तर दोगे, एक लाइनें अलग से बनवाओगे, उसके बाद इनकी रिसर्च ज्यादा करवाओगे, फैसिलिटीज ज्यादा रखोगे, और जेरियाटिक पेशेंट्स के लिए अलग से सेक्शन होना चाहिए हॉस्पिटल में ठीक है। चलो जी ये हो गया, उसके बाद हम आगे चैप्टर 5 में, एक ही सेक्शन था चैप्टर इसमें 3 में भी और चैप्टर 4 में भी एक ही सेक्शन था, ये याद रखना, ये दोनों एक एक सेक्शन के हैं बस, 19 और 20 ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पे, चैप्टर 5 में मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एटसेट्रा फॉर वेलफेयर सीनियर सिटीजन, फालतू के सेक्शन है, बस ये देख लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने करना है यहाँ पे काम, 21 में ड्यूटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की, क्या करना है इन्होंने, वाइड पब्लिसिटी देनी है, हर तरह के चैनल से देनी है, पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन करनी है पब्लिक ऑफिसर्स की, जुडिशियल ऑफिसर्स की, उसके बाद इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनी रहे ये देखना ठीक है। चलो उसके बाद आता है अथॉरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, किन किन अथॉरिटीज के ऊपर ये ड्यूटी है, बाध्यता है कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे। मैंने हर सेक्शंस में से हर एक लाइन उठाई है, तो ये कुछ कुछ बोरिंग से सेक्शंस भी हैं, इनको भी सहलो साथ साथ, बस हमें पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, एटलीस्ट हमें कुछ आइडिया तो होना चाहिए, एक अच्छा खासा तुक्का ही मार पाए, नेगेटिव मार्किंग है वैसे ध्यान से ठीक है। तो अथॉरिटीज में भी स्पेसिफाइड फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में
पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या कर सकती है, कन्फर कर सकती है पावर ऑन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर पावर कन्फर कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो अपने नीचे जो ऑफिसर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर कर रही है, उनके ऊपर कर रहा है, ठीक है। अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग होंगे वो अपने ऑफिसर्स के ऊपर कर रहा है, दैट्स इट, इनके ऊपर पावर कन्फर हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा है इसमें। इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ, यहीं पे मैं आपको बता रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो पर्पस था उसमें वो सेक्शन 22 में हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्या है प्रोटेक्शन, इसके ऊपर स्टार जरूर लगा लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट पर्पस में से है, ठीक है, इसमें से जरूर लगा लेंगे, राइट। एक बार वो याद भी कर लेना कि कौन कौन सी वो थी, एक तो बेटर नीड बेस्ड मेंटेनेंस था 4, 5, 9 में, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज थी, मेडिकल फैसिलिटीज हमने पीछे देख ली किसमें थी, 19 में, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 22 में हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिली, और एक और था वो भी चेक कर लेना आप। 23 तो कतई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर 2-3 स्टार्स लगा लो कि अगर ट्रांसफर करा है प्रॉपर्टी को, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर किया है आपने, ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी थी मेंटेन करना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी थी मेंटेन करना, तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा, वो ट्रांसफर वॉइड मान लिया जाएगा कि आपने उनकी प्रॉपर्टी तो पोजेशन में ले ली, प्रॉपर्टी तो पा ली, उसके बाद आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो भैया वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि नीचे वो बोलता है लास्ट में जाके वो बोलता है कि इट विल बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये वॉइडेबल है, मगर वहां पे अगर आपको ऑप्शन में वो डाल के देता है तो आपको यही लगाना है जो यहाँ लिखा है void at the option of transfer, या वो confuse करने के लिए वहाँ void option ही ना दे और voidable और valid या none of the above कर दे तो उसमें भी confusion हो सकती है, तो voidable लगाएंगे मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, देखना कि आपको क्या लगाना है। अब वो क्या बोल रहा है एक बार देख लो कि सीनियर सिटीजन ने अगर ट्रांसफर किया है बाय गिफ्ट और अदरवाइज, गिफ्ट से भी हो सकता है, किसी और इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, इस कंडीशन पे कि भाई आप मुझे बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फिजिकल नीड्स के लिए आप मेरे साथ रहोगे, मगर आप रिफ्यूज करते हो या फेल कर देते हो ऐसा करने से, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप ट्रांसफर जो कर रहे हो वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है ना, वॉइड हो जाएगा वो, तो वो माना नहीं जाएगा, वो डिक्लेयर हो जाएगा वॉइड, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर अगर वो चाहेगा, ऑलराइट। और उसके बाद आप सेकंड वाले में आते हो जिसमें वो आपको बेसिक रूल वो बता रहा है कि जो ट्रांसफर ही है अगर उसके पास म्यूकस होगा तो उसके ऊपर भी ये मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन लगेगी। ये मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन वाला सेक्शन एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है, सेम टू सेम, बताओ कौन से सेक्शन में, बताओ कौन से सेक्शन में है, सेम टू सेम सेक्शन, ठीक है, ढूंढ के बताओ। ऑलराइट, सीनियर सिटीजन जो है, अच्छा जो ट्रांसफर ही है उसके पास अगर नोटिस है तो वो भी मेंटेन करेगा, या फिर ग्रेचुटियस ट्रांसफर है तो भी करेगा, मगर अगर ग्रेचुटियस नहीं है, फॉर कंसिडरेशन है एंड विदाउट नोटिस है, तो उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर्स चैप्टर नंबर 6 आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था उसको भी ध्यान रखना, 23 और 23 के बाद 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजंस। अब एक्सपोजर या अबैंडनमेंट अगर आप करते हो वो होली अबैंडनिंग होनी चाहिए, पूरी टेम्पररीली अगर आप छोड़ के आए हो वो नहीं लगेगा, होली अबैंडन अगर आप किसी को कर देते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, 3 महीने, 3 महीने या फिर और है एंड नहीं है और 5,000 rupees, इतना आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि ये ऑफेंसेज होंगे तो कॉग्निजेबल, माने आपको अरेस्ट तो किया जा सकता है बिना वारंट के, मगर फिर बेलेबल भी होंगे बेलेबल भी होंगे, तो ये थोड़ा कच्चा पक्का हिसाब किताब है, ठीक है। और उसी के नीचे बड़ी फिर आड़ी टेढ़ी बात कर देते हैं, ये बोलते हैं कि फिर जो ऑफेंस है इट विल बी ट्राइड समरीली, तो आपकी इंक्वायरी जो हो रही थी वो भी समरीली हो रही थी, ट्रायल भी समरीली हो रहा है, ट्रायल एंड इंक्वायरी जो है ये दोनों समरीली हो रहे हैं, समरी प्रोसीजर से हो रहे हैं, मगर जो एविडेंस ले रहे थे एविडेंस समन प्रोसीजर है, एंड समरी में समन प्रोसीजर ही लगता है, तो एक तरह से समरी ही चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो 25 में आपका कॉग्निजेंस आ गया। उसके बाद 26 बताता है कि ऑफिसर्स जो होंगे आपके वो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, सेक्शन 26 में पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ज्यूरिसडिक्शन, अच्छा ये पब्लिक सर्वेंट यहाँ जो लिख देते हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनके खिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेंट वगैरह करनी है तो आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, और सैंक्शन कौन से सेक्शन में लोगे सीआरपीसी के ये मुझे बता दो, सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में आप जाके सैंक्शन लेंगे ये मुझे बता दो। आई मीन अ लिटिल बिट ऑफ हरी, तो मैं सबके आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, तो वी आर गोइंग गुड, बस आप चेक करते रहो सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है चेक कर लेंगे तो थोड़ी रिविजन होती रहेगी, ठीक है। Then comes 27 बात कर रहा है jurisdiction की, सिविल कोर्ट की jurisdiction यहाँ पे बार करी गई है, और एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, चलो सिविल कोर्ट की jurisdiction बार है ये तो हमें याद रहेगा, इट्स ओके, ठीक है, इतनी बात तो पता ही है हमें, कोई बात नहीं, मगर आगे बोल रहे नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट, तो ये याद रखना, अगर वो पूछ लें कि क्या इंजंक्शन दे सकती है सिविल कोर्ट, और आप लगा दो कि हाँ जी सिविल कोर्ट की तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं ये वो, तो वो नहीं होती, तो नो इंजंक्शन बाय सिविल कोर्ट, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कुछ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहां पे आता है बस ये याद रख लेना, गुड फेथ आ रहा है 28 में। उसके बाद पावर टू रिमूव डिफिकल्टी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये भी ध्यान रखना, ये बार बार हर एक्ट में चेंज होता रहेगा। यहाँ पे पावर टू रिमूव डिफिकल्टी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इस चीज को ध्यान रखना। जो दूसरी एक्ट में जाओगे अभी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है और रिव्यू भी कर सकती है, तो ये भी आप देख लेना 30 और 31 में। 30 में डायरेक्शंस हैं और 31 में रिव्यू करने की पावर है, दोनों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी कर रही है और रिव्यू भी कर रही है। और फिर उसके बाद पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, रूल मेकिंग पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा, ये भी बताओ मेरे को कि हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर कहां पे दी हुई है सीपीसी में, हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर कहां पे दी गई है सीपीसी में। ये एक्ट तो ये वाला हमारा पूरा हो गया है, अब इसके बाद कौन सा एक्ट लेना ये भी बता दो, इसके बाद कौन सा एक्ट उठाए। आई थिंक इसके बाद एमटीपी ले लेते हैं, एमटीपी ले लेते हैं, तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है। एक एमटीपी कर लेते हैं, एक डाउरी प्रोहिबिशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें अगला कौन सा करना है। आई एम प्लानिंग की 5 कर ले हम, आपको दो दो तीन घंटे तो बैठना पड़ेगा एक जगह पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, 122 and 125 ऑफ सीपीसी, 122 and 125 वर्षा, वेरी गुड, दैट्स नाइस। ठीक है चलो, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर और मैं ये पूरा का पूरा स्क्रीन क्लीन करता हूँ एंड देन वील कंटिन्यू विथ विच एवर एक्ट जो हम लेना चाहते हैं। ठीक है, वापस इसमें करते हैं, एक दो मिनट का ब्रेक लेते हैं। All right, let's continue. I hope I'm audible and visible again. And let's go ahead with Medical Termination of Pregnancy Act 1971. ठीक है जी? Now, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Medical Termination of Pregnancy Act 1971. पहली बात तो ये 1971 की एक्ट है, ठीक है? उसके बाद एक्ट नंबर कौन सी है, 34. एक्ट नंबर 34, all right, of 1971. Assent कब मिला है, 10/8/71 को, और एनफोर्समेंट कब हुई है, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स वाले दिन, 1 अप्रैल 72 को। इसके अंदर कोई चैप्टर्स नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, इसके अंदर कोई भी चैप्टर्स नहीं है, एक इसके अंदर चैप्टर्स नहीं है और एक डाउरी प्रोविजन में चैप्टर नहीं है, ये देख लेना, 0 चैप्टर्स, सीधे सीधे 8 सेक्शन दिए गए हैं, बस 8 सेक्शन, ज्यादा ज्यादा 8 मिनट, 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा उतना टाइम लगेगा और हम इसको कवर कर लेंगे। इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या दी गई हैं, सेक्शन 5 में बड़ी अच्छी एक बात है कि एक ही पनिशमेंट दी गई है तीन तरह की चीजों के लिए, एक ही पनिशमेंट दी गई है तीन तरह की चीजों के लिए सेक्शन 5 में। या तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो और तब जाके आपने टर्मिनेशन कर दी, या फिर उस जगह पे करिए जो जगह रजिस्टर्ड जगह नहीं है और ऑथराइज जगह नहीं है, या फिर आप उस जगह के ओनर हो जिस जगह पे ये अनऑथराइज चीज हो रही है। कौन कौन, या तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है ना, फिर आपने टर्मिनेशन कर दी, या फिर किसी ऐसी जगह पे करी जो ऑथराइज जगह नहीं है जहां पे उन्होंने मना किया हुआ है। ऑथराइज जगह कौन सी है, या तो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए, या फिर आपकी डीएलसी के थ्रू होनी चाहिए, या फिर आपके पास बेसिकली प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप उस जगह के ओनर हो जहां पे गलत तरह से टर्मिनेशन हो रही है, तो वहां पे आपको नॉट लेस देन 2 इयर्स, एक तो नॉट लेस देन मिनिमम पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, नॉट लेस देन 2 इयर्स, अप टू 7 इयर्स, 7 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, इतनी दी जाएगी। और इसमें एक अच्छी बात है कि नो फाइन, देयर इज नो फाइन, यहां पे फाइन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ पनिशमेंट पनिशमेंट है, कोरी पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे 5A में, तो वहां पे प्रिवेसी ऑफ द वुमन, अगर आप उस लेडी की प्रिवेसी को नहीं बचाते, उसकी आइडेंटिटी खोल देते हो, तो आपके ऊपर एक अपराध और बन जाता है जिसके लिए आपको अप टू 1 ईयर मिलेगी, या फिर फाइन मिलेगा, या फिर दोनों मिल सकते हैं। तो और फाइन है, सिर्फ फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है आपको, और ये भी किया जा सकता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक तो मुझे बताओ कि प्रिवेसी के ऊपर जो अभी बड़ा ही बहुत बड़ा केस आया था पीछे ही, वो केस कौन सा है प्रिवेसी के ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज, टेल मी अबाउट वेयर इज वॉयरिज्म, वॉयरिज्म इन आईपीसी, ये प्रिवेसी और वॉयरिज्म मुझे दो चीजें बताओ, एंड लेट्स मूव ऑन, एंड हम देखते हैं कि हमारी इस एक्ट में क्या लिखा गया है। ओके, सबको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन, अभी बड़ा सन्नाटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट, थैंक यू। चलो अब शुरू करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन के साथ। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एक्ट नंबर 34 है, हम देख चुके हैं 10 अगस्त 1971 को आई है, 1 अप्रैल 1972 को इसको फोर्स में लाया गया है, ठीक है, 71 की एक्ट, एक्ट नंबर 34। अब सबसे पहले इसका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में दो चीजें हैं जो देखने वाली हैं, एक तो है कि इट टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज, कुछ सर्टेन केसेस दिए ना इन्होंने कि भाई आप प्रेगनेंसीज जो है वो टर्मिनेट सर्टेन ही कर सकते हो, सर्टेन सिचुएशंस में ही कर सकते हो, जब आपकी लाइफ पे आ जाए ना, या तो आपकी लाइफ पे आ जाए, या जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल होगा, या वो अच्छी लाइफ लीड नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा हो तो आपको टर्मिनेट करने दिया जाएगा। तो दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज,
सारी प्रेगनेंसी नहीं, सर्टेन सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. कौन कर सकते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल रिलेटेड. चलो आगे बढ़ते हैं. वन में कुछ खास है नहीं, हम देख चुके हैं किस दिन आई है, सब पे अप्लाई करती है, सब कुछ होता है. लेट्स कम टू डेफिनेशंस. सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशंस में. इसकी इस एक्ट की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो ही है तो आ सकता है इसमें से, बिकॉज इट्स इजी टू लर्न. ठीक है, पहला तो है गार्जियन. गार्जियन कौन है? गार्जियन है एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और मेंटली इल पर्सन. अगर कोई माइनर है या मेंटली इल है, ये मेंटली इल कब डाला गया? 2003 के अमेंडमेंट से. इस एक्ट में, 1971 के एक्ट में 2003 की ही सारी अमेंडमेंट्स है, और कोई अमेंडमेंट है ही नहीं. तो आपसे अगर वो अमेंडमेंट पूछ ले तो 2003 की ही सारी अमेंडमेंट्स है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना. और ये जो 2003 के अमेंडमेंट है, ये आई कब है? 18/6/2003. 18/6/2003 को आई है, सारी एक ही साथ आई है. ठीक है, तो ये जो गार्जियन है वो कौन है? जिसके पास आपके पर्सन की या माइनर की केयर या फिर मेंटली इल पर्सन की केयर है. और ये यूज कहाँ पे होता है? सेक्शन 3 के 4A में. इसको साथ में लिख लो, इसके बगल में ही लिख लो. और अब जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो हम देखेंगे कि वहां पे गार्जियन कैसे यूज हो रहा है. ठीक है, असल में वहां पे अगर माइनर है, माइनर की अगर आप टर्मिनेशन करवा रहे हो प्रेगनेंसी की, तो आपको गार्जियन से लेनी पड़ती है कंसेंट. ठीक है, तो उस चीज की बात हो रही है वहां पे. ऑलराइट, यस, के एस पुट्टस्वामी प्रिवेसी वाला केस हो गया, बिल्कुल सही बात है. एंड वॉयरिज्म 357C में आता है, बिल्कुल सही बात है. चलो, वॉयरिज्म 354C में. ठीक है, नाउ मेडिकल बोर्ड, ये है 2AA में. AA मेडिकल बोर्ड. मेडिकल बोर्ड वो है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 2C ऑफ 3 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 का 2C जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बता रहा है कि मेडिकल बोर्ड यहाँ पे बनेगा. और इस मेडिकल बोर्ड के बोलने पे, अगर इस मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया कि भाई ये बच्चा, इसमें फीटल एबनॉर्मेलिटीज है, ये जो बच्चा पैदा हो रहा है इसमें एबनॉर्मेलिटीज है, इसको पैदा मत होने दो, यू कैन टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी, तो वो 20 हफ्ते वाला और 24 हफ्ते वाला खेल गेम आपके ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है, कभी भी टर्मिनेट आप करा सकते हो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल ए में मेडिकल बोर्ड के बारे में बात करी गई है. ठीक है, उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं मेंटली इल पे. मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल पर्सन है बी में. और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, वो है कि दिस इज अ पर्सन इन नीड फॉर ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर. एनी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है अदर देन मेंटल रिटार्डेशन. तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि मेंटली इल पर्सन में क्या मेंटल रिटार्डेशन वाले आते हैं? मेंटल रिटार्डेशन वाले आते हैं क्या? ठीक है, तो वो नहीं आते. इस चीज को याद रखना, इसमें गलती ना हो जाए, हो सकती है. ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन वाले नहीं आते. नाउ माइनर वही है, मेजॉरिटी एक्ट में जो माइनर है अभी तक वो माइनर है. उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 2D में दिया गया है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो क्या बता रहा है? मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड इन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट. 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है, उसके अंदर अगर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और उसके साथ साथ आपका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में चढ़ा हुआ है. ठीक है, रजिस्टर में आपका नाम भी चढ़ा हुआ है, एक तो आप क्वालिफाइड हो, ऊपर से आपका नाम चढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड उसके साथ क्या लगा रहा है? एंड, और नहीं लगा रहा है, एंड लगा रहा है. एंड एंड हु हैज एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. आपके पास एक्सपीरियंस भी है. ठीक है, तो ये तीन चीजें जब होंगी तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में आओगे. आगे जाके एक जगह पे वो बताएगा कि ये एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती एक किसी जगह पे. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को भी अपने दिमाग में साथ साथ लेके चलना कि एक जगह पे इस एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो 2D में दे रखी है. और उसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. लास्ट है, डेफिनेशन वाला सेक्शन यहीं पे टर्मिनेट होता है. तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में ये बताता है. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मींस अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड. ये तो छोटी मोटी डेफिनेशन है, हमें समझ आती है. मेडिकल मेथड से अगर आपने कोई टर्मिनेशन खत्म प्रेगनेंसी खत्म करी है, तो दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ऑलराइट, अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे. सेक्शन 3 जो है वो हमसे बात करता है व्हेन प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. कौन कर सकते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. अब आप कब कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो? ठीक है, पहली बात तो वो बता देता है कि notwithstanding anything contained in IPC, registered medical practitioner shall not be guilty of any offence under that code. आपको बचा लेता है वहाँ के offences से. वहाँ पे ऐसे कौन से offences हो रहे हैं? Section 312 से 316 वाले जो offences हैं. ठीक है, 312 से 316 वाले जो offences हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उससे आपको बचा रहा है. एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पे वो नहीं लगेंगे. ठीक है, अगर कब नहीं लगेंगे? अगर वो इस एक्ट के हिसाब से टर्मिनेशन कर रहा है, इफ ही इज डूइंग इट इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट. ऑलराइट, उसके बाद आप आ जाते हो 2 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में. सबसे इंपॉर्टेंट यही है. ठीक है, इस पूरे एक्ट में. अब वो बता रहे कि कब आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए मेडिकल एक प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो. ठीक है,
कब कर सकते हो? पहला केस ए में लिखा है, धीरे धीरे देखेंगे। एक तो जब 20 हफ्ते से कम की है ना प्रेगनेंसी, 20 20 वीक्स और लेस, 20 वीक्स से नीचे नीचे, तो यहां पे तो अगर सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी राय में ऐसा लगता है कि हो जानी चाहिए, तो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसको क्या लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रेव इंजरी हो सकती है या फिर सब्सटेंशियल रिस्क है अगर चाइल्ड पैदा हो गया, दो लोगों के बारे में ही सोचना है हमें यहाँ पे, जो लड़की पैदा कर रही है या फिर जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर उनमें से किसी को भी रिस्क है तो आप एक बंदा होते हुए भी, सिंगल बंदा कैन टर्मिनेट ऑन हिज ओन डिसीजन, ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, एंड 20 हफ्ते से नीचे की जब बात होगी। और जब हम बात कर रहे हैं 20 वीक से ऊपर की, मगर 24 हफ्तों से नीचे की, 20 से 24 के बीच की बात कर रहे हैं, इतने हफ्तों की जब हम बात कर रहे हैं, तब वो कहता है दो मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट लेस देन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अगर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ऐसा लगता है कि या तो, अब नीचे वो क्या बता रहा है कि क्या देखना है आपको, या तो प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू हुई तो इट विल इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है पहली चीज, उसके साथ साथ क्या बोलता है, ग्रेव इंजरी हो सकती है औरत को, और ये ग्रेव इंजरी फिजिकल भी हो सकती है एंड मेंटल भी हो सकती है। ये याद रखना कि ये इंजरी आप सोचो कि नहीं ये तो सिर्फ वही हाथ पैर वाली होनी चाहिए, पेट वेट काटना पड़ेगा ऐसा समथिंग लाइक दैट, बट नहीं, वो मेंटल भी हो सकती है। ठीक है, काफी वाइड स्कोप दिया इन्होंने इसको डाल के। या फिर और द देर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसे भी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, यहाँ पे भी मेंटल इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर इन प्रैक्टिशनर्स को ये रीजंस लगते हैं, ये दिखाई देता है, तो वो ये बोल देंगे कि चलो भाई इसको मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है, तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप आईपीसी के 312 316 से बच जाएंगे, 312 से 316 के बीच में जो फैंसी दिए हुए हैं उनसे। ठीक है, अब आ जाती है एक्सप्लेनेशन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन वन बोलती है कि जो ऊपर हमने बोला ना कि इन इन रीजन में आप टर्मिनेट कर सकते हो, तो उन रीजन में एक रीजन और जोड़ दो। वो रीजन क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रेगनेंसी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड से हुई है, कि आप लोगों ने कॉन्डम यूज किया, आप लोगों ने कोई और कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, मगर उसके बाद भी बच्चा हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो ये आपके ऊपर एक ग्रेव इंजरी या मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट माना जा सकता है, माना जा सकता है। और अगर माना जा सकता है तो जो प्रैक्टिशनर है वो टर्मिनेट कर सकता है, राइट? अगर 20 हफ्ते से नीचे है तो एक बंदा, 20 से 24 के बीच में तो दो बंदे, तो ये एक रीजन में जोड़ दिया उन्होंने। और रीजन में जोड़ के वो कह रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, ये एक चीज है जिसको माना जा सकता है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे असर डालती है, और वहां पे वर्ड यूज हुआ है मे, इस चीज को जरूर याद रखना। एक्सप्लेनेशन वन में मे है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इसके ऊपर स्टार लगा देना, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन टू देखेंगे तो वहां पे हमें वर्ड देखने को मिलेगा शैल, और यहाँ एमसीक्यू बन सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी वेयर प्रेगनेंसी इज एलेज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप, यहाँ पे रेप से हो रही है, तो वहां पे तो आपको मानने की डिस्कशन नहीं है, आपको मान के ही चलना है कि उसको ग्रेव इंजरी हुई है, उसको मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हुआ है, तो फिर वहां पे तो शैल हो जाएगा एंड दिस विल बी अनदर रीजन। तो आपको पहले दो रीजन क्या थे, लाइफ की इंजरी टू वुमेन, फिर चाइल्ड एबनॉर्मल होगा, फिर एक रीजन क्या जुड़ गया कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, उसमें मे होगा, और उसके बाद रिजल्ट ऑफ रेप है, उसमें शैल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुड़ गई। अब आ जाओ आप टू ए में, टू ए किस चीज की बात कर रहा है, टू ए कह रहा है कि द नॉर्म्स फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट gestational age shall be such as may be prescribed by rules under this act. तो किस स्टेज पे क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कब आप देखोगे कि अच्छा एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, ये सारी चीजें, तो उसके लिए आप रूल्स को रेफर करोगे। 2A कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें ये ध्यान रखना कि रेफर किस चीज को करना है, रूल्स को, कहाँ पे लिखा हुआ है इन सब चीजों के बारे में, रूल्स में लिखा हुआ है। अब आ जाओ 2B और 2C में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल बोर्ड जो है ना उसके बारे में बात कर रहे थे, जो हमने मेडिकल बोर्ड देखा था ना, कहाँ पे देखा था, 2AA में, 2AA में, एक बार जरूर देख लेना कहाँ पे देखा था, 2AA में ही देखा था मेरे ख्याल तो, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शैल नॉट अप्लाई, यहाँ पे शैल नॉट अप्लाई हो जाएगा कि आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, 20 हफ्ते हुए, 24 हफ्ते हुए, कितने लोगों की ये है, कितने लोगों की वो है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कब कब देखने की जरूरत नहीं है, कब देखने की जरूरत नहीं है, इफ The termination is necessitated by diagnosis of any of the substantial fetal abnormalities diagnosed by medical board. अगर medical board ने बोल दिया कि भाई हाँ abnormality है, अगर इन्होंने बोल दिया तो आपको पीछे वाले जो थे section, जो subsection 2 था उसको follow करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
और फिर 2C में बताता है कि ये मेडिकल बोर्ड आया कहाँ से भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो होंगी वो गैजेट में नोटिफिकेशन करके एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगी और वो 2C में बनाएंगी और वो मेडिकल बोर्ड इन सब कामों में अपना योगदान देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड के बारे में बात करी गई है, इसको भी याद रखना। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि कौन बनाएगा मेडिकल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया हमने, 2 देख लिया। 2 के अंदर हमने देखा कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, 20 हफ्ते वाली, 24 हफ्ते वाली। उसके नीचे हमने देखा कब कब आप टर्मिनेट कर सकते हो, रिस्क टू वुमेन, रिस्क ऑफ एबनॉर्मैलिटी इन द चाइल्ड। फिर 2 एक्सप्लेनेशन में 2 रीजन और जोड़ दिए, कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर और रेप से हुई भी प्रेगनेंसी। और फिर हमने देखा 2B में, 2A में कुछ नहीं है, 2B में हमने मेडिकल बोर्ड देखा और 2C में देखा कि मेडिकल बोर्ड बनाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा वो 2D में दिया हुआ है, 2D में मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा वो दिया हुआ है। और इसको आप याद रख सकते हो GPRS से, GPRS होता है ना हमारा, GPRS से याद रख सकते हो। कौन कौन होगा, एक तो होगा गायनेकोलॉजिस्ट, एक हो गया पीडियट्रिशियन, एक हो गया रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, तो कौन हो गया, GPRS। एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है, सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड। तो ये GPRS जरूर याद रखना, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, पीडियट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे 3 पे। 3 में हमें सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात देखनी है कि जब भी आप डिटरमिन कर रहे होगे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है हेल्थ को, तो आपको अकाउंट किस चीज का और लेना पड़ेगा, एक अकाउंट लेना किस चीज का, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, अकाउंट में भी टेकन ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन्स एक्चुअल एंड रीजनेबल फोर्सिबल एनवायरमेंट। उसका एनवायरमेंट कैसा है आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर भाई इसकी कोई केयर करने वाले लोग भी नहीं है, बच्चे को आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, ये गलत गंदी जगह पे रहते हैं, साफ सफाई भी नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कैसे जिएंगे, उस बच्चे को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो आपको ये 3 में बोलता है कि आपको फोर्सिबल एनवायरमेंट देखना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हो 4 में। 4 में जो मैंने आपसे बात करी थी गार्जियन वाली, ठीक है, गार्जियन वाली जो बात करी थी वही वाली बात यहाँ पे हो रही है कि अगर आपने 18 साल की उम्र नहीं ली है और आपकी मेडिकली टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी, तो राइटिंग में कंसेंट चाहिए होगा गार्जियन का, राइटिंग में कंसेंट चाहिए होगा गार्जियन का। तो ये वाला तो रट लेना, 4 तो हमें याद रख के जाना है। ठीक है, 4 को हमें याद रख के जाना है, राइटिंग में कंसेंट चाहिए होगा गार्जियन का। फिर उसके बाद आता है इसका बी, बाकी सारे केसेस में अगर आप माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड के नहीं हो, तो प्रेग्नेंट वुमेन की रिटन कंसेंट आपको लेनी जरूरी है, नेसेसरी। ठीक है, ये 4B में बताया। चलो ये खत्म हो गया, अब आ जाते हैं सेक्शन 4 में। वो बताता है कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे टर्मिनेशन करी जा सकती है, कौन सी प्लेसेस हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, उसके बाद जो जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और उसके बाद जिनको DLC ने अप्रूव कर दिया है। DLC कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, DLC अप्रूव्ड। ओके, DLC अप्रूव्ड, इन सब लोगों में आ गया। पढ़ के देख लेना, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, जिसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, और या फिर DLC ने किया है। और ये जो DLC है वो कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी विद CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये भी याद रखना, वो उसका चेयरपर्सन होगा। DLC का चेयरपर्सन कौन है, CMO, ही इज द चेयरपर्सन, ये याद रखना। ये चेयरपर्सन हमें याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह पे आने वाले, ये हमें इरिटेट करेंगे। सो DLC का चेयरपर्सन चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, CMO, CMO साहब होते हैं ना, बहुत बार देखने को मिलता है हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, CMO ही होते हैं ज्यादातर फंक्शंस वगैरह में, वो कुछ कभी कोई अनावरण वगैरह करना हो, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है आगे, वो एक प्रोविजो दे रहा है कि DLC में कितने लोग होंगे, तो नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5। कितने लोग होंगे, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5, तो 3, 4 या 5 इतने लोग होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 में हमने क्या देखा था, हमने 3 में सारी की सारी ये सिचुएशंस देखी थी कि कब कब आप टर्मिनेट वगैरह कर सकते हो, कब कब मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो, वो देखा था। 4 में हमने देखा कि कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पे टर्मिनेशन करी जा सकती है, और 5 है कब 3 और 4 अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे आपको, 3 और 4 का चक्कर ही नहीं डालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वो कब नहीं डालना पड़ेगा, आपको लेंथ नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, ये इमरजेंसी सिचुएशंस है। सेक्शन 5 जो है ये इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करता है। वो इमरजेंसी सिचुएशंस क्या है कि व्हेन द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन इन गुड फेथ कि इमीडिएटली अगर नहीं करी तो हम जान नहीं बचा पाएंगे, तो अगर आपने किसी की लाइफ सेव करनी है, यू आर सेविंग लाइफ, आपको लगता है कि ये मर जाएगी अगर मैंने अभी इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया और इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करी, तो आप कर सकते हो 5 में, आपको कुछ भी और प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपने गड़बड़ करी, ठीक है, अगर आपने गड़बड़ करी तो इसके अंदर ऑफेंसेस भी दिए गए हैं। तो इसके 2, 3 और 4 में, 5 के 2, 3 और 4 में, 1 में तो बचाव है, 2, 3, 4 में आपको ऑफेंसेस दिए गए हैं। और ऑफेंसेस क्या क्या है, अगर तो आप नॉट रजिस्टर्ड हो, ठीक है,
दूसरा, अगर आपने नॉट रजिस्टर्ड जगह पे करी है टर्मिनेशन, नॉट रजिस्टर्ड प्लेस, ओके, एंड आप उस जगह के ओनर हो जिस जगह पे गलत तरह से ये चीज हुई है, टर्मिनेशन हुई है, तो तीनों ही सिचुएशन में आपको वो वाली सजा मिलेगी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी. और वो सजा क्या है? नॉट लेस देन 2 years एंड अप टू 7 years. नॉट लेस देन 2 years एंड अप टू 7 years, ये याद रखने की चीज है. इसमें से एमसीक्यू बनना ही बनना है, ये तो आना ही आना है. और इसकी वजह से आईपीसी को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, आईपीसी हैज बीन मॉडिफाइड. चलो अब आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेनेशन वन दी है. एक्सप्लेनेशन वन क्या है कि ओनर कौन होगा? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, ये जो ओनर की बात हो रही है ना जिसको सजा दे रहे ऊपर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा उस जगह का जहां पे ऐसा कुछ हुआ है, गलत तरह से टर्मिनेशन हुई है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को ओनर माना जाएगा और उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी. उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू है, ठीक है, इसी में मैं कह रहा था पांच की जो एक्सप्लेनेशन टू है, यहाँ पे आपका जो 2D में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका एक्सपीरियंस वाला क्लॉज यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जान बचा रहे हो ना किसी की, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वगैरह वाला जो क्लॉज है वो हटा दिया उन्होंने, ठीक है यार जो भी हो उसकी जान बचाओ, बाकी कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन टू हो गई जहां पे नो एक्सपीरियंस क्लॉज, नो एक्सपीरियंस क्लॉज, ऑलराइट. उसके बाद आ गया 5A, यहाँ पे है प्रिवेसी ऑफ वुमेन. मैंने आपसे पूछा था प्रिवेसी ऑफ वुमेन का ऑफेंस आईपीसी में कहाँ पे है, तो वो है 228A में. 228A में विक्टिम की आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ 5A में आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ वुमेन. अगर आपने प्रिवेसी ऑफ वुमेन नहीं बचाई, अगर आपने रिवील कर दिया नाम या उसके पर्टिकुलर्स रिवील कर दिए, ठीक है, ऑथराइज लोगों को तो आप कर ही सकते हो, मगर अगर आपने गलत तरह से रिवील कर दिया, गलत काम किया है, तो आपको या तो अप टू 1 year की सजा मिलेगी. बस इसमें ये दो ही सजा है, ऊपर है नॉट लेस देन 2 up to 7 और यहाँ पे है अप टू 1 year और विद फाइन. और ऊपर कोई फाइन नहीं है, ये याद रखना. ये जो ऊपर हमने तीनों चीजें देखी थी, यहाँ पे नो फाइन, नो फाइन, ऑलराइट. चलो अब ये देख लिया. उसके बाद हमारा सिर्फ सेक्शन 6 है जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आगे देख ही लेते हैं. यहाँ पे रूल मेकिंग पावर किसकी है? रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की. और हम पीछे हम क्या देख के आए थे उस वाली एक्ट में? आई गेस वहां पे स्टेट गवर्नमेंट थी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसके बाद रेगुलेशंस बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. ये देखो जबरदस्ती के चेंजेस, रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है. और फिर उसके बाद 8 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, जो हमारा पिछले एक्ट में 28 में था वो यहाँ पे 8 में है. और गुड फेथ में अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा. दैट्स इट. हियर वी कंप्लीट अनदर एक्ट जो हमारी MTP एक्ट हो गई. नाउ डू वी वांट टू डू PCP NDT? यही फिर से पढ़ना है साइंस साइंस वाली चीजें, या हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट करें? मुझे चैट में बता दो. एंड अगेन वील टेक अ लिटिल ब्रेक, 2-1 minute का ब्रेक, एंड देन वील कम बैक. ऑलराइट, तब तक आप मुझे चैट में बताओ कि कौन सा एक्ट नेक्स्ट करना है. ऑलराइट, वी आर टेकिंग अप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाउ एज पर द डिमांड. बट एनीवेज इसके बाद PCNPDT भी हमने करना ही करना है, ठीक है. सो वो जाने नहीं दे रहे हैं हम. अगर आपको लग रहा है कि यू नो इसके बाद बंद कर देंगे, वील डू इट, खत्म करेंगे. हो सकता है हम डिसेबिलिटीज ना करें, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा. एंड अभी रोमा मैम की क्लास भी आ गई तो वो नहीं करेंगे. बट ये तो हम एटलीस्ट कर ही ले यार, एक एक्ट तो खत्म करें, नहीं तो 3 दिन लग जाएंगे इसको 9 को खत्म करने में ही. एंड हफ्ता भर तो पूरा रह गया है, 4 तारीख आज हो गई है, 11 तारीख को यू नो 12 तारीख को पेपर है. सो उससे पहले कर लेना चाहिए, ठीक है. थोड़ी सी मेहनत और लगेगी यार, थोड़ा सा जान लेते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव डाउरी प्रोहिबिशन. एक बार डाउरी प्रोहिबिशन देख लो, ये रहा पहला वाला डाउरी प्रोहिबिशन. डाउरी प्रोहिबिशन है 1961 का एक्ट. 1961 में एक जॉइंट कमेटी बिठाई गई थी इसके लिए, ठीक है, जॉइंट कमेटी हुई थी. एक्ट नंबर 28 है ये. 28 की उम्र तक आते आते ही होता है शादी वगैरह, तो एक्ट नंबर 28 ये है, ठीक है. उसके बाद असेंट इसको मिली है 20/5/61 को, और एनफोर्स हुआ है 1/7/61 को. एनफोर्स हुआ है 1/7/61 को और असेंट मिली है 20/5/61 को. ये रटने वाली चीज है. इसके अंदर भी चैप्टर्स नहीं है, जैसे हमारी पिछली एक्ट में चैप्टर्स नहीं थे MTP में, वैसे ही इसके अंदर भी चैप्टर्स नहीं है. उसमें सेक्शन 8 थे, इसमें सेक्शन 10 है टोटल. इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं, काफी सारी है. सेक्शन 3 में जब यू आर टेकिंग डाउरी, जब आप डाउरी ले लेते हो तो आपको मिलती है नॉट लेस देन 5 years. ये बड़ी पनिशमेंट है, ठीक है, नॉट लेस देन 5 years. 5 साल से नीचे भी हर सेक्शन में बोल रखा है कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि आप चाहो तो 5 साल से नीचे दे दो, मगर वैसे हम आपको बता रहे हैं कि नॉट लेस देन 5 years की पनिशमेंट स्टिप्यूलेटेड है. और साथ में फाइन कितना? 15,000 का या फिर जितनी डाउरी ली है उतना. पहली चीज तो ये हुई सेक्शन 3 में दिया गया है. उसके बाद सेक्शन 4 में है डिमांड करने की पनिशमेंट. अगर आपने सिर्फ डिमांड करी है, ऊपर था लेने के लिए नॉट लेस देन 5 years, यहाँ पे कितना है? नॉट लेस देन 6 months, मिनिमम 6 months अप टू 2 years. ऊपर कितना था? 5 years. एक ही बार में लिख देता नॉट लेस देन 5 years बस.
और यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, नॉट लेस देन 6 मंथ्स अप टू 2 ईयर्स, एंड साथ में एंड है, ऊपर भी फाइन एंड था, फाइन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सो एंड फाइन कितना, यहाँ पे 10,000 है, ऊपर 15,000 था, यहाँ पे 10,000 है। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट, इन एडवर्टीजमेंट वालों पे भी अच्छी खासी पनिशमेंट लगाई है, ठीक है। एक तो ले लेने वालों पे लगाई है, ले लिया तो भाई बड़ा डिमांड, बड़ा बड़ी बात हो गई, ठीक है। सिर्फ डिमांड करी थी तो छोटी मोटी बात, मगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो इतने बेशरम, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो 4A में हो रही है, और एडवर्टीजमेंट बाद में ऐड हुई है, चेक करना इसके अंदर 1984 और 1986 दो इसके अंदर हुई है अमेंडमेंट्स, 1984 एंड 1986, मैं अभी बता दूंगा कि क्या क्या हुई है, तो इनमें ही सारी अमेंडमेंट्स हुई है, याद रखना 1984 वाली कौन सी है, 86 वाली कौन सी है। तो ये एडवर्टीजमेंट 4A आया है, कौन सी अमेंडमेंट जो आया है, ये आया है बाय 1986 की अमेंडमेंट, ठीक है, 1986 की अमेंडमेंट से आया है। एंड इसके अंदर अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, चाहे अपने बच्चों के लिए या किसी रिलेटिव के लिए, और बोल रहे हो कि आ जाओ शादी कर लो और इतने इतने पैसे दूंगा, तो नॉट लेस देन 6 मंथ्स, यहाँ पे ऊपर कितना था, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 6 मंथ्स, एंड यहाँ पे नॉट लेस देन 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स, और फाइन कितना है 15,000 का, बीच में कितना था 10,000 का जब आप सिर्फ डिमांड कर रहे थे, और ऊपर 15,000 का था, यहाँ पे भी 15,000 का। उसके बाद आता है आपका, और यहाँ पे और फाइन है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे और फाइन है एडवर्टीजमेंट वाले में, और फाइन है, बाकी सब में एंड था, यहाँ पे और फाइन है, ठीक है। अब जब आप उसका पैसा जो डाउरी आई थी ना, अगर तो वो लड़की के काम में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लॉ में, वो लड़की के काम में आनी चाहिए, तो जो भी आपको गिफ्ट्स वगैरह मिले वो आपको उसको रिटर्न करने हैं, अगर कोई आपके हाथ में दे गया आपने लड़की को दे देना, इफ यू डोंट रिटर्न तो नॉट लेस देन 6 मंथ्स, अगेन नॉट लेस देन 6 मंथ्स, या फिर 5,000 से 10,000 का फाइन, और इस फाइन को रिकवर किया जाएगा फाइन के तरीके से जैसे सीआरपीसी में किया जाता है। लेविंग ऑफ फाइन का कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी में, मुझे चेक करके चैप्टर में बताओ, ठीक है। चलो अब चलते हैं इस एक्ट के अंदर, अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसके, मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, चलो ठीक है। सो अब इसमें मैं एक बार बता देता हूँ कि 1984 में क्या क्या आया था, एक तरफ लिख लेना कि 1984 में क्या आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1986 वालों के साथ मिक्स नहीं करना बस आपने, ठीक है। 1986 में कम चीजें आई है, 1984 में ज्यादा चीजें आई है, तो 4 वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे पहली चीज तो ध्यान रखनी है, एक्ट नंबर 28 है 1961 का, 10 सेक्शंस हैं, 20 मई को 1961 में आया था, एंड आगे इसका प्रीएम्बल बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा प्रीएम्बल है, कहता है प्रोहिबिटिंग एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, बस गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। अब आपसे वो पहली चीज तो वही यही पूछ ले कि सिर्फ गिविंग है या टेकिंग भी अपराध है, टेकिंग भी अपराध है, मगर जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को ऐसे डाउरी वगैरह मांगी गई है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, उसको प्रोसिक्यूशन से कहां पे बचाया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन नोट कर लेना कि जो 7, सेक्शन नंबर 7 का 3 है, उसके अंदर ये सेविंग दे रखी है, ठीक है। ये देने वाले को जो बचाया गया है ये सेक्शन 7 के सबसेक्शन 3 में बचाया गया, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जो 84 में आया था ना, ज्वाइंट कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने एक तो सेक्शन 2 में कंसिडरेशन फॉर मैरिज की जगह इन कनेक्शन विद मैरिज कर दिया था। सेक्शन 2 में जो डाउरी वगैरह की बात करी गई है उसमें एज कंसिडरेशन फॉर मैरिज था पहले, कंसिडरेशन फॉर मैरिज, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना लोग इसको ऐसे हल्के में ले लेंगे या अवॉइड कर देंगे, ये बोल के कि ये हमने एज कंसिडरेशन तो दिया ही नहीं था, दिस वॉज नॉट कंसिडरेशन या दिस इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन, ऐसा कुछ बना देंगे, तो उन्होंने उसको थोड़ा वाइड कर दिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट विद इन कनेक्शन विद मैरिज, इन कनेक्शन विद मैरिज, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 में जब आप आते हो तो उन्होंने पनिशमेंट को ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया, पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट करी। सेक्शन 4 में उसको भी स्ट्रिंजेंट किया। सेक्शन 6 में जो रेस्टोरेशन है ना, सेक्शन 6 में जो लड़की को वापस देना है सामान, रेस्टोरेशन, उसमें पहले 1 साल का टाइम था कि 1 साल में वापस दे देना सारा सामान, 1 ईयर, अब उसको घटा के 3 ईयर्स कर दिया, उसको 3 ईयर्स कर दिया। फिर सेक्शन 7 एंड 8 में ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बना दिया गया, ऑफेंसेस को अब कॉग्निजेबल बना दिया गया है, ठीक है। ये 3 चीजें बस याद रख लेना, ये जो इन कनेक्शन एंड कंसिडरेशन वाला सीन है, जो 1 साल से 3 साल किया गया है रेस्टोरेशन को, और जो कॉग्निजेबल बनाया गया है, ये सारे 1984 वाली से करे गए हैं, और 1986 से बाकी चीजें करी गई हैं, जिसमें क्या किया है, एक तो पनिशमेंट जो है 5 साल और 15,000 वाली बढ़ा दी गई है, 5 साल और 15,000 पे ला दिया गया है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूविंग जो है वो अगली पार्टी पे डाला गया, लड़के वाली पार्टी पे, या जो भी डाउरी ले रहे हैं उस पार्टी पे, ठीक है। फिर वो जो प्रोसिक्यूशन से सेव किया गया वो भी इसी में किया गया था, नॉन बेलेबल भी इसी में बनाया गया था, एंड एडवाइजरी बोर्ड वगैरह भी बनाया गया वो भी इसी में किया गया। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है, बस ये 3 याद रख लोगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, 1984 पता होगा तो 1986 अपने आप अलग कर दोगे। चलो अब आ जाते हैं एक्ट के ऊपर। नाउ
टू पे आ जाओ, डेफिनेशन पे. वो डेफिनेशन ऑफ डाउरी बताती है हमें. डाउरी की डेफिनेशन क्या है? एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. पहली बात तो इसमें क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें पता है कहाँ पे आईपीसी में? क्या सबको पता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ पे है? सेक्शन 30 में देखने को मिलती है. और 30 में बताता है किसी भी चीज से अगर राइट्स क्रिएट होते हैं, राइट्स क्रिएट होते हैं तो उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं. जैसे अडॉप्शन ऑफ विल हो गया, रेंट नोट वगैरह हो गया, ऐसी ऐसी चीजें. ठीक है, तो ये सारी चीजें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है. नाउ गिवन और अग्रीड टू बी गिवन. सेकंड चीज क्या है? गिवन, या तो आप दे चुके हो, और अग्रीड टू बी गिवन. अग्रीड टू बी गिवन, दे चुके हो या बाद में देने का प्रॉमिस किया है, वो भी आता है इसके अंदर. और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों चीजें हो सकती है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी हो सकता है. तो ये तीन भागों में, तीन कंपार्टमेंट्स में बांटा गया. इन तीनों को याद रखना. ठीक है, अब उसके आगे क्या आता है कि कौन कौन दे सकता है? या तो बाय वन पार्टी टू दी अदर पार्टी. तो या तो पार्टी टू पार्टी हो रहा है, दूल्हे ने दुल्हन को दे दिया, या फिर पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन. तो या तो पेरेंट्स या अदर पर्सन, या फिर, और ये किसको दे रहे हैं? पेरेंट्स या अदर पर्सन किसको दे रहे हैं? किसी भी और पार्टी को या किसी और पर्सन को. अदर पर्सन किसी और के हाथ में दिलवा दिया आपने. आपने कहा कि भाई इन्होंने तो हमारे ऊपर लगाया था ना कि लड़की को वापस देना है, ऑल दैट, हम किसी और को पकड़ा देते हैं. वो सारी चीजें चलेंगी. ठीक है, अब अगला एलिमेंट क्या आता है? एट और बिफोर मैरिज. एट और बिफोर मैरिज दोनों टाइम हो सकता है. इन सब पे एमसीक्यू बन सकते हैं. ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं. मैं बार बार हर एक चीज के साथ ये नहीं बोलूंगा कि इस पे एमसीक्यू बन सकता है, बन सकता है. मैंने निकाले ही सिर्फ एमसीक्यूज है, तो आप उस हिसाब से ही लेना. और ये सारे एमसीक्यू के हिसाब से अपने दिमाग में भी प्रोसेस करोगे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं. सो दैट यू नो यू हैव वोवन अराउंड इट सो मच कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप पकड़ लो. इन 9 एक्ट्स में से अगर अपने 20 नंबर भी आ गए तो भैया जीके पार हो गई. फिर उसके बाद 9 में काफी टेंशन कम हो जाएगी. ठीक है, सो एट और बिफोर भी हो सकता है, और एनी टाइम आफ्टर मैरिज. और एनी टाइम आफ्टर मैरिज, ये पहले एनी टाइम आफ्टर नहीं था. इसको अगर आप चेक करोगे तो ये था और आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज से ये लगता था कि जस्ट आफ्टर मैरिज की बात हो रही है, मगर एनी टाइम आफ्टर कर दिया इन्होंने. एनी टाइम आफ्टर मैरिज, ठीक है. एनी टाइम आफ्टर मैरिज किससे आया है ये भी चेक कर लेना. 1986 में आया है. एनी टाइम आफ्टर मैरिज, ठीक है. इन कनेक्शन विद मैरिज, ये मैंने आपको पहले बताया, इन कनेक्शन विद मैरिज कर दिया गया है. पहले ये क्या होता था? इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज. तो ये 1984 में हुआ. सारे एमसीक्यू रहे, ठीक है. बट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर. ये जरूर ध्यान रखना, ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डावर और मेहर इसके अंदर नहीं आता. इन केस ऑफ पर्सन टू हुम द मुस्लिम लॉ अप्लाइज. अच्छा, एक्सप्लेनेशन टू हमें बता देती है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में दी गई है. चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं. सेक्शन 3 बताते हैं पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी. पहले आपने डाउरी को एक्सप्लेन किया, फिर पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग. गिविंग और टेकिंग, अब इसमें क्या है? एक तो है इफ एनी पर्सन गिव्स, टेक्स और अबेट्स. एक तो इस चीज को याद रखना, ये एलिमेंट याद रखने वाला है. गिव्स एंड टेक्स भी हो सकता है, और जो अबेटर है वो भी आएगा उसमें. ठीक है, इसमें स्टार लगा लेना. इसमें एमसीक्यू बन सकता है अच्छा खासा, कंफ्यूज वाला, कंफ्यूज करने वाला. द गिविंग और टेकिंग ऑफ द डाउरी ही शैल बी पनिशेबल. इन सबको पनिश किस चीज से किया जाएगा? नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड फाइन 15,000 का, या फिर डाउरी के जितना. Not less than 5 years and, और नहीं है, and fine कितना? या तो 15,000 तक का, या फिर जितनी डाउरी दी है या ली है उतना. ठीक है, provided that court may for adequate and special reasons to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment less than 5 years. ये हर जगह बोला है इन्होंने, सारी पनिशमेंट में उन्होंने बोला है कि कोर्ट को जहां लगता है कि कम होनी चाहिए वहां कम कर देंगे, मगर उसके लिए कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजन इन जजमेंट, रिकॉर्ड इन जजमेंट. ठीक है जी, इतना काम आपको जरूर करना पड़ेगा. नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू. किस चीज पे ये अप्लाई नहीं करेंगे? अब ये क्लॉज 2 में बता रहे हैं नॉट टू अप्लाई ऑन वॉट. Not to apply. किस चीज पे अप्लाई नहीं करेंगे ये ध्यान रखना है. क्या क्या दे रहे हैं इसके अंदर? पहले पेनल्टी बता दी. पेनल्टी किस किस के लिए है? गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग के लिए. कितनी पेनल्टी है ये बता दी, और इसको आप कम भी कर सकते हो ये भी बता दिया. अब आप 2 में आ गए हो कि किस चीज पे ये अप्लाई नहीं करेगा. अप्लाई किस पे नहीं करेगा? जो प्रेजेंट्स दिए गए हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड. तो या तो आप विदाउट एनी डिमांड जो भी सामान दे रहे हो वो चलता है, उसको आपने उसके एम्बिट से बाहर कर दिया. और ये एम्बिट से बाहर कब होंगे? जब लिस्ट में चढ़ाए जाएंगे. ये बात ध्यान रखना, ये एग्जेम्पशन लिस्ट में ही मिल रही है. अगली लाइन भी पढ़ोगे ना
प्रेजेंट्स व्हिच आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू ब्राइडग्रूम, चाहे ब्राइड को हो चाहे ब्राइडग्रूम को, प्रोविजन यही है कि दे आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स. इसके रूल्स में वो लिस्ट दे रखी है, अगर आप लोगों ने बैठे हो जो भी सामान आया उसका लिस्ट बनाया है और उसको साइन किया है तो भैया इनको नहीं माना जाएगा डाउरी, नहीं तो डाउरी में आने का खतरा बना रहेगा. अब डाउरी में अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो अब इनमें से किसको हम डाउरी माने और किसको ना माने, वो दिया हुआ प्रोवाइजो में, वो दिया गया प्रोवाइजो में. ठीक है, तो ये टू में तो सिर्फ लिस्ट वाली चीजों, लिस्ट वाली बात बता दी कि जो चीजें लिस्ट में डाली है वो नहीं आएंगी. मगर अगर जो लिस्ट में नहीं डाला उसको कैसे देखा जाएगा भाई? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, सच प्रेजेंट्स आर कस्टमरी इन नेचर. हम देखेंगे कि क्या ये कस्टमरी है, एक तो कस्टमरी होने चाहिए एंड वैल्यू इज नॉट एक्सेसिव. साथ में आइए, साथ ही कंडीशन है नॉट एक्सेसिव. एक्सेसिव किस हिसाब से? विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, जो जो ये सामान दे रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा उसके हिसाब से. तो अगर आप कमाते हो साल का 10 लाख और गाड़ी उनको दे रहे हो भैया मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर, ठीक है, इतना ज्यादा तो नहीं, एक्सेसिव अगर आप दे रहे हो तो नहीं. एंड ऊपर से वो कस्टमरी चीज होनी चाहिए कि चलो हीरे जवाहरात वगैरह दे दो, मगर वो भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए. तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. तो पांच के पहले में क्या बताया, पांच के नहीं तीन के पहले में क्या बताया कि किस किस को मिलेगी पनिशमेंट, गिवर टेकर अबेटर. कितनी मिलेगी वो प्रोवाइजो, कितनी मिलेगी वो साथ ही बता दिया, नॉट लेस देन 5 ईयर्स और साथ में 15,000 या डाउरी जितना. उसके बाद दो में आए, उसमें उन्होंने बता दिया कि किस किस चीज को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, वो चीजें जो आपने लिस्ट में डाली. अब जो चीजें लिस्ट में नहीं डाली उनको कैसे जज किया जाएगा कि भाई या तो वो कस्टमरी थी या फिर वो आपने औकात अनुसार दी थी, एक्सेसिव नहीं दी थी. ठीक है, वो आ गया आपका प्रोवाइजो में. अब उसके बाद आता है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी. चार में क्या आ रहा है? डिमांडिंग. डिमांड के लिए कितनी सजा मिलेगी आपको, ये तो सीधा सीधा बस इतना ही आपको देखना है कि डिमांड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकती है, पेरेंट्स या रिलेटिव से या किसी और बंदे से. एक तो ये चीज याद रखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और उसके साथ साथ शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म. कितनी होगी इम्प्रिजनमेंट? नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स. नॉट लेस देन 6 मंथ्स अप टू टू ईयर्स. एंड साथ में एंड है यहाँ पे विद फाइन 10,000 का. ठीक है, इतना लगेगा. उसमें भी सेम चीज बोल दी कि कोर्ट चाहे तो कम भी कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पूरी दे रखी है. तो ये डिमांडिंग पे आ गया. पहले क्या था? गिविंग और टेकिंग, अब हो गया डिमांडिंग. फिर उसके बाद 4A में आपने एडवर्टीजमेंट्स पे बैन लगाया. अब एडवर्टीजमेंट्स पे बैन लगाया. अब अगर कोई बंदा एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर पीरियोडिकल जर्नल एटसेट्रा एंड शेयर एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी, वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में शेयर दूंगा या पैसा दूंगा तुम्हें या बिजनेस में शेयर दूंगा या कोई और इंटरेस्ट दूंगा एज कंसिडरेशन ऑफ मैरिज फॉर सन डॉटर और एनी अदर रिलेटिव. ये जरूरी याद रखना, इस पे भी स्टार लगा लेना, एनी अदर रिलेटिव, किसी और की भी हो सकती है वो एडवर्टीजमेंट. एनी अदर रिलेटिव, ठीक है, उसके लिए वो ये प्रिंट पब्लिश सर्कुलेट वगैरह करता है. तो ही शैल बी पनिशेबल विद अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ्स. ऊपर क्या था? नॉट लेस देन 6 मंथ्स. यहाँ पे भी नॉट लेस देन 6 मंथ्स, मगर आगे कितना है? एक्सटेंड टू 5 ईयर्स. ऊपर कितना था? अप टू 2 ईयर्स. यहाँ पे है अप टू 5 ईयर्स. और यहाँ पे 15,000, वापस से 15,000 हो गया आपका फाइन. ठीक है जी, 15,000. अब आ जाते हैं हम 5 पे. अग्रीमेंट अगर आप कोई भी करते हो डाउरी के लिए वो वॉइड होगा, ये 5 में लिखा गया है. अग्रीमेंट विल बी वॉइड क्योंकि इलीगल चीज है ना, इलीगल चीज के लिए तो वॉइड ही होगा. ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. कौन सा सेक्शन लगेगा यहाँ पे? सेक्शन 23. सेक्शन 23 और सेक्शन 25 में भी बताता है कि किन किन चीजों में वॉइड, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कंसिडरेशन है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों में वॉइड हो जाता है. राइट, इसी बात पर मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में, बड़ी देर से आपने चैट बॉक्स यूज नहीं किया है, काफी सारे बच्चे सो गए हैं, ठीक है, बट काफी सारे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है. सो इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं और कहां पे दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये बता दो. ठीक है, तो सेक्शन 5 में यहाँ पे तो अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी तो वॉइड हो गया. नाउ अब आ जाते हैं हम 6 में. ये छोटे छोटे सेक्शन है मगर इनके अंदर एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, तो ये इसीलिए हम थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं. ठीक है, एमटीपी में भी हमने 20 मिनट लगाए हैं, इसमें भी 15-20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, ताकि अच्छे से कवर अप हो जाए. हमें ऐसा ना हो कि वहाँ पे किसी भी चीज में हम अंडर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार ये पूरा लग नहीं रहा हमें, वो नहीं होना चाहिए. सारे क्वेश्चन हाथ में होने चाहिए, चाहे कहीं से भी आ जाए. ठीक है, नाउ इसमें बात कर रहा है डाउरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हेयर्स. डाउरी जो होगी वो या तो फॉर वाइफ होनी चाहिए या उसके हेयर्स के लिए होनी चाहिए. तो मैंने बताया था ना, जो हमने पनिशमेंट जब हम पढ़ रहे थे कि जो भी आपके पास आया है वो आपको रिटर्न करना है वापस वाइफ को. कितने टाइम में? 3 महीने के अंदर.
ठीक है, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है किसी गलत वजह से, तो फिर ये जो पैसा है जो उसके पास सामान वगैरह था, ये रिटर्न जो करना होगा वो उसके पति को नहीं चला जाएगा कि भाई चलो ये तो मर गई, अब इसका तो सक्सेशन में तो पति आता है ना, फिर वो उसके या तो वापस पेरेंट्स को जाएगा या उसके बच्चों को जाएगा। तो ये प्रोविजन 6 में दिया गया। अब वो क्या बोलता है कि वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमन, वुमन जो है जिसकी शादी हुई है उसके अलावा किसी और ने किया है रिसीव, ससुराल वालों ने, तो वो शैल ट्रांसफर है, शैल ट्रांसफर, कोई ऑप्शन नहीं है, शैल ट्रांसफर। ऑब्वियसली इसको एनफोर्स तो लड़की ही कराएगी, तो दे विल दे हैव टू ट्रांसफर। ठीक है, अगर मैरिज से पहले आई थी तो भी 3 महीने, अगर मैरिज के बाद आई थी तो रिसीव्ड के बाद 3 महीने जब भी उनको मिला वो, और अगर वो 18 साल से छोटी है तो जिस दिन वो 18 साल होगी उसके बाद 3 महीने। तो ये 3 सिचुएशन दे रखी है, अगर बिफोर है तो 3 महीने के अंदर, अगर एट द टाइम है तो मैरिज के 3 महीने के अंदर, जिस दिन भी आपने रिसीव किया उसके 3 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, सॉरी 3 मंथ्स के अंदर, और अगर वो 18 साल से नीचे है, बिलो 18, तो जिस दिन वो 18 हुई उसके बाद से 3 महीने के अंदर। ठीक है जी। नाउ 2 में बताया गया है कि अगर आप फेल हुए तो क्या होगा, ऊपर तो बताया रूल क्या है और नीचे बता रहे हैं कि अगर आप फेल हुए, अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा। इफ द पर्सन फेल्स विद इन द टाइम लिमिट, ही शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, नॉट लेस देन 6 मंथ्स। एक तो नॉट लेस देन 6 मंथ्स, अप टू 2 ईयर्स, जैसे ऊपर पनिशमेंट चलती आ रही थी 4A से पहले वाली, अप टू 2 ईयर्स। और इसमें फाइन चेंज कर दिया, 5,000 से 10,000 तक का फाइन, 5,000 से 10,000 तक का फाइन। ठीक है, ये इसमें आ गया, और विद बोथ ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें एंड फाइन नहीं है, और है, ये ध्यान रखना, और फाइन है एंड नहीं है। नाउ वही बात जो मैंने आपको एयर्स वाली बताई कि अगर ये लड़की जो थी, इफ शी इज एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी एंड शी डाइज बिफोर रिसीविंग इट, उसे नहीं मिलती उससे पहले वो मर जाती है, तो उसके एयर्स को जाएगी, वो क्लेम कर लेंगे। मगर अगर गलत तरह से अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई है 7 साल के अंदर अंदर, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो या तो उसके पेरेंट्स को जाएगी या उसके बच्चों को जाएगी। ठीक है, तो ये दिया गया है थर्ड वाले में, अगर अननेचुरल डेथ है तो पेरेंट्स को या फिर चिल्ड्रन, इनको जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, फिर अपने ससुराल में नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, नहीं तो वो मार ही देंगे कि भैया प्रॉपर्टी तो हमारे पास ही आनी है। ठीक है, फिर आता है हमारा 3A, ये 1984 में डाला गया है, 3A 1984 में डाला गया है, और वो बोलता है कि जहां पे कन्विक्शन हो गई ना, अगर इफ यू हैव फेल टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी और आपकी कन्विक्शन हो गई है और उसके बाद भी आप नहीं देते हो, एक तो आपको इन एडिशन टू द अवॉर्डिंग पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन, आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इन राइटिंग आपको ऑर्डर किया जाएगा कि आप वो ट्रांसफर कर दो, और अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हो, इफ यू फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, एन इक्वल अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम यू एज इफ इट वॉज इम्पोज बाय द कोर्ट, और फिर आपसे वो लेवी किया जाएगा। तो अगर इफ यू फेल फेल टू ट्रांसफर तो फिर इक्वल अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा आपसे, इतना लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस 7 में, कॉग्निजेंस, इसमें ये बोलता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जीएमएफसी ये है इसमें कॉम्पिटेंट। ठीक है, सिविल कोर्ट्स को बाहर कर दिया था ना हमारे, उसमें जब हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे वहां पे तो सिविल कोर्ट बाहर थी, यहाँ पे कोर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना कहाँ कहाँ पे कोर्ट नहीं है, कहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे जीएमएफसी या एमएम। एंड कैसे कैसे ली जा सकती है कॉग्निजेंस, वो बोलता है कि कॉग्निजेंस ली जा सकती है ओन नॉलेज पे, ओन नॉलेज ऑफ द कोर्ट। सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है जहां पे कॉग्निजेंस की बात करी गई है, वैसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलो मैं बताता हूँ, 190। तो ओन नॉलेज या फिर पुलिस रिपोर्ट, जैसे 190 में दिया गया है। ठीक है, या फिर कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड, अग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट, या फिर उसके पेरेंट या रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स या रिलेटिव्स। आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे हो, एक गाथ दो लोग तो मुझे दिख रहे हैं लिखते हुए, बाकी सारे के सारे जितने बैठे हैं 30-35 सब ने अपनी वीडियोस बंद कर रखी हैं, तो आई होप आप लोग लिख रहे हो, मेरी राइटिंग तो समझ नहीं आ रही होगी, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगता रहे कि क्या लिखा जा रहा है, कहाँ पे हैं हम। ठीक है, थोड़ा ध्यान बना रहता है। सो कंप्लेंट हो सकती है अग्रीव पर्सन की, पेरेंट की या रिलेटिव की, या फिर कोई रिकग्नाइज्ड एनजीओ, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ भी हो सकता है। तो ये सारे लोग हो गए। ठीक है, ओन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, अग्रीव पर्सन, पेरेंट, रिलेटिव या एनजीओ, ये सब हो गए। इट शैल बी लॉफुल फॉर एमएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास टू पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय दिस एक्ट, आप कोई भी सेंटेंस जो आप ऑथराइज हो वो उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हो।
ठीक है जी. नाउ यू हैव टू जंप टू टू. सेक्शन टू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, सेवन का टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है. वो बोलता है कि इसके ऊपर चैप्टर 36 नहीं लगेगा. 36 का माने लिमिटेशन वाला सीन इस पे नहीं लगेगा. आप किसी भी टाइम आके कर सकते हो ये मुकदमे वाली प्रोसिक्यूशन, कभी भी कर सकते हो. नो लिमिटेशन विल अप्लाई. और 7-3 में आपको पहले बता चुका हूँ, सेव करा गया है उस आदमी को जिसने स्टेटमेंट दी है, जो अग्रीव पर्सन है जिसने स्टेटमेंट दी है कि हमारे साथ यही अपराध हुआ, हम विक्टिम है, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा. तो 7-2 और 7-3 लिमिटेशन और सेविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है. अब आ जाते हैं 8 पे, जो बात करता है कि ऑफेंसेस विल बी कॉग्निजेबल. ऑफेंसेस कॉग्निजेबल रहेंगे, नॉन बेलेबल रहेंगे, नॉन कंपाउंडेबल रहेंगे, सारी गंदी चीजें एक साथ नॉन कंपाउंडेबल. ठीक है. और जो हमारा सीनियर सिटीजन था उसमें क्या था, कॉग्निजेबल तो था मगर बेलेबल था, कॉग्निजेबल बट बेलेबल. ओके. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीआरपीसी शैल अप्लाई टू द ऑफेंसेस, ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की तरह चलेगा. ठीक है. मगर बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ मैटर्स अदर देन 42, इसको तो छोड़ दो, एंड द अरेस्ट ऑफ द पर्सन विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट. मतलब आप विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर नॉर्मली तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर लेते हो, मगर यहाँ पे नहीं करोगे. ठीक है, बस कहने को कॉग्निजेबल है, तो ये चीज भी ध्यान रखना. और ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, ये तो ऑब्वियसली आप कंपाउंड नहीं कर सकते कि चलो हम तुम्हें पैसा दे देते हैं, अब अपना अपना कंपाउंड कर दो, वो नहीं हो पाएगा. तो ये नॉन कंपाउंडेबल है एंड नॉन बेलेबल है. ठीक है. अब 8A में इन्होंने अमेंडमेंट से लेके आए हैं, 86 की अमेंडमेंट है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, 1986 की. इसमें इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लड़के पे डाल दिया है, या जो भी पार्टी है उसके ऊपर डाल दिया. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर है, इसके ऊपर मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी को डाल दिया कि आप प्रूफ करोगे आपने नहीं लिया. ठीक है. उसके बाद आता है 8B, ये पूछ सकते हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफ ऑफिसर्स कहाँ पे है. पीछे हमने देखा था मेंटेनेंस ऑफिसर, राइट, और डीवी एक्ट में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, और यहाँ पे क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स. ऑलराइट, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट एज मेनी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एज उनको जरूरत पड़ेगी. ठीक है, कौन करेगा बस ये याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट. एंड क्या क्या ये इनके फंक्शंस होंगे, ये एक तो ये देखेंगे कि एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई हो रहे हैं, कहीं पे अगर ऐसी डाउरी वगैरह हो रही है तो प्रिवेंट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, या फिर एडिशनल फंक्शंस करेंगे. इसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा 8B के 4 पे आ जाओ, 8B के 4 पे. और 8B का 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगा जिसमें नॉट मोर देन 5 सोशल वर्कर्स होंगे. ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड तैयार करेगी स्टेट गवर्नमेंट, एडवाइजरी बोर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर कितने लोग होंगे, नॉट मोर देन 5. पीछे हमने क्या देखा था, नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 5. पिछली एक्ट में देखा था ना मेडिकल बोर्ड में, नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 5, राइट. और उसके अंदर कौन कौन लोग थे, GPRS, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट एंड एनी अदर पर्सन. वहां GPRS था, यहाँ पे इट इज एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स, नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स, जिसमें से एटलीस्ट 2 विमेन होंगी, 2 विल बी विमेन. ये होगा आपका. एंड पावर टू मेक रूल्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. हमने पीछे क्या देखा था, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी. यहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, और नीचे स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल्स की पावर दी गई है. 10 में, सेक्शन 9 और 10 में रूल्स की पावर है, 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और 10 में स्टेट गवर्नमेंट बना रही है. ठीक है, ये हो गया हमारा डाउरी प्रोविजन एक्ट भी खत्म. अब हम करेंगे आखिरी एक्ट. ठीक है, आई कैन फील द पेन, आई नो आई एम गोइंग थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई एम लिविंग इट अगेन. जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो है तो थोड़ा तकलीफ तो है यार ऑब्वियसली, बट टाइम से भी तो करें ना, मजा आ गया. चलो मजे तो ठीक है, नंबर भी आने चाहिए साथ में सबके, मजे तो आते रहेंगे. चलो एक बार सब लोग, आप लोग बता दो कि करना है या नहीं करना है, आज करना है या नहीं करना, नहीं तो हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं. पीसीपी एंड डीटी कर लेंगे अलग. ठीक है, एंड क्या बच गया हमारा, पीसीपी एंड डीटी हो गया,
और एक हमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी करना है, तो हम कल ये दो प्लस एक कोई छोटा एक्ट या दो छोटे एक्ट कल कर लेंगे फिर, अगर या तो ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लो, बट देन इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ मेस, क्योंकि आपकी रोमा मैम की क्लास भी है, रवि सर की क्लास भी है, आर्बिट्रेशन की क्लास भी है, सारी चीजें एक साथ कैसे करोगे, बड़े सारे लोग तो आप सारी क्लासेस में हो, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑल राइट देन, आई गेस दिस इज इट, एंड यहाँ पे रोकते हैं, एंड आगे जो हमें करना है वो हम कल करते हैं। एटलीस्ट इन तीन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली एक बार फिर से देख के सारी चीजें एक एक करके लिख लेना, अभी 7-8 दिन है, अगर इनको आपने 2-3 बार कर लिया, एक बार भी और देख लिया तो मेरे ख्याल वो काफी होगा, और आपके क्वेश्चन सारे कवर हो जाने चाहिए, कुछ बच नहीं रहा है इसमें। हमने आपका जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है पहले पहले की, प्रियम्बल वगैरह, एक्ट नंबर, कौन सी डेट को आया, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया, सेक्शन वगैरह हम कवर कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको इंडेक्स तो याद करना ही पड़ेगा, जो मेन सेक्शन शुरू के होते हैं और जो एंड में जो पनिशमेंट्स होती है वो भी हमने सारी कवर कर लिए, तो हम और बीच में तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज हम कवर कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये पूरा आपको बहुत अच्छे से कवर करके देना चाहिए, एंड एंड उसका फिर आगे रिजल्ट भी आना चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु इज कॉम्प्लीमेंटिंग, थैंक यू सो मच फॉर द एनर्जी दैट यू गाइज हैव शोन, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड शेयरिंग द वाइब, एंड लेट्स सी ईच अदर टुमारो, एंड आई विल टेल यू द टाइम, हो सकता है लेट नाइट करें या अर्ली मॉर्निंग करें, जैसे भी हम लोगों को टाइम मिलेगा, दिन में टाइम कम मिलता है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड सॉरी फॉर नॉट गिविंग यू माइक्स, एंड आई विल नॉट गिव यू माइक्स फॉर द नेक्स्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस, जो भी हमें लगती है उसमें भी नहीं मिलेंगे, सो यू नो लर्न टू बी विदाउट माइक्स फॉर अ कपल ऑफ डेज, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी।